हाँ किया 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 मैंने अभी किया तक। हाँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ ग्रेस, लेकिन ठीक है, हो अच्छा ठीक है, जाएगा। मतलब नहीं कोर्स हाँ हाँ कंप्लीट कंप्लीट किया है तो कंप्लीट हम, कंप्लीट कंप्लीट या किया। ग्रेट, तो हम लोग आपको क्या वो कॉन्फिडेंस दे देंगे, बूस्ट दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक सम्राट गुड वर्क, बहुत अच्छा काम किया या आपने। यार, आई आई थैंक यू थैंक यू। रियली लाइक कि आपने इतना एफर्ट्स लेके बनाया। राइट राइट, एक्चुअली गॉन थ्रू योर ऑनलाइन वीडियोस ऑलमोस्ट 5 to 6 times। पूरा वो वाह पूरा पीछे जाओ, वापस से देखो, अभी ये लोगों में क्या एग्जैक्टली आपने बोला है, तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या है, कर्व लाइन है तो क्या है। तो आई करेक्ट, मेड वन माई डॉक्यूमेंट फॉर माई सेल्फ, और उसके ऊपर से ये पूरा एनालाइज नहीं किया है। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ग्राफोलॉजी, क्योंकि राइट ग्राफोलॉजी का भी कोर्स कर लो आप, तो उसमें आपको फिर ये क्या क्या करना चाहिए अपने, बेसिकली बताता हूँ। अगर आपको लोगों में मास्टरी चाहिए तो आपने ड्राइंग एनालिसिस, ओके ग्राफोलॉजी, रेस्ट वॉच और अपना लोगो, ये लोगो तो आपने कर लिया, बाकी भी आप कर लोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग का पावर है वो 100 times बढ़ जाएगा। फिर हंड्रेड करेक्ट करेक्ट, टाइम्स यू आर राइट। फिर आपको उसमें हेल्थ इश्यूज दिखने चालू हो जाएंगे, फिर आपको उसमें मतलब जो चीजें अभी आपका लिमिटेशन है, क्योंकि ग्राफोलॉजी में मतलब लोगो एनालिसिस में हमने सिर्फ फॉर्म्स को डिस्कस किया है, फॉन्ट करेक्ट है, परफेक्ट को नहीं किया है ना। हाँ, परफेक्ट। तो फॉन्ट का उधर से आ जाएगा और बाकी प्लेसमेंट का आपको ड्राइंग से आ जाएगा, फिर बाकी जो कोरिलेशन है वो, और इसमें भी हमने काफी डिस्कस किया है कि इसमें अपना रिस्ट वॉच, वो भी 10 घंटे का कोर्स हो गया अभी, सभी करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट राइट, का क्या होगा, एक मास्टरी हो जाएगा एक आपका सभी परफेक्ट चीजों में। सो फॉर लोगो एनालिसिस वी कैन इनकॉर्पोरेट ग्राफोलॉजी आल्सो टुगेदर? नो नॉट इन दिस क्लास, नो, दिस इज, अदरवाइज फॉर या अदरवाइज एनालिसिस। यू ऑलवेज यू मस्ट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ, मेरे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सभी चीजें की, उनका मैं अलग से ग्रुप बना रहा हूँ, है ना। तो वो एक मास्टरमाइंडिंग होगा जहाँ पे इन ऑन दैट फोरम वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, मतलब हम लोग लोगो भी डिस्कस करेंगे एक ही जगह पे, लोगो ड्राइंग ये वो सभी चीजों को कंबाइन करके करेंगे, तो यू गाइस विल करेक्ट एंजॉय, है करेक्ट करेक्ट ना। करेक्ट करेक्ट, जैसे अंजना ने पूरे कोर्सेज किए, अंजलि ने किया हुआ है, मनीषा ने पूरे राइट कोर्सेज किए, डिम्पल ने सभी कोर्सेज किए, गणेश ने सभी कोर्सेज किए। तो डिम्पल उनको व्हाट्सएप पे कॉल लगाना पड़ेगा। सर, आई कॉल्ड हिम आल्सो एंड आई मैसेज्ड हिम, बट यू नो हिज वॉइस इज नॉट क्लियर, बट आई हैव मैसेज्ड हिम एंड कॉल्ड हिम आल्सो। अच्छा ठीक है, देन ही यू मैसेज हिम एज वेल नो, सो ही माइट सी एंड रिप्लाई। ओके फाइन, नो इश्यूज। सो एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लोगो विच यू हैड विच यू ट्राई टू एनालाइज, सम्राट हैज डन सम एनालिसिस। See, there are now plenty of secrets still pending to learn. Okay, it's not like that you know everything, but you know a lot compared to what other people in the market are aware of. So compared to them, Right. you know plenty of things already. You know, even the guy who taught me the this graphology, or the guy who introduced this concept of logo first time, that also he also doesn't know the kind of teachings you know now. Okay, because if you see his way of implementing drawing and his, this logo and all, it's very basic. You are far far advanced than a lot of people, compared to a lot of people. So analysis, no doubt, but then again it has multiple levels, multiple layers, multiple understanding is there. So in future my approach will be like to combine vastu, which we already do basically, but in greater depth, plus numerology and plus astrology, all everything will be connected. Whenever you are doing a logo, it will be a holistic kind of solution, Correct, correct. great. So what is your take on the course, Umesh, up till now you have gone through the course? मुझे सर हिंदी में बात कीजिए, मुझे इंग्लिश। नॉट हाँ नॉट इश्यू। तो आपको कैसे लगा, कैसा कोर्स के थ्रू जब आप गए तो कैसे लगा आपको कोर्स, किस तरह से? सुपर्ब सुपर्ब लगा। अगर मुझे ये कोर्स ठीक नहीं लगता तो शायद मैं ज्वाइन ही नहीं होता ऑनलाइन। मेरी फर्स्ट ये मेरा कोर्स है जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मुझे जूम चलाना भी नहीं आता। तो लेकिन नहीं, हाँ, वो सिर्फ क्यूरियोसिटी है मुझे कि आपने जो बात की लोगों की, और हाँ लोगों का जो साइंस है वो करेक्ट, रियली में कमाल का है, और
मुझे वो सीख कर बहुत अच्छा लग रहा है. लोगों के साथ साथ और भी बहुत सारी बारीकियां हैं जो इसमें इसके थ्रू मुझे और सीखने को मिलेंगी. करेक्ट. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे इसकी डेप्थ में जाने के लिए भी. और भी अगर कितना भी एडवांस होता है कोर्स तो मैं इसकी डेप्थ में मैं जाऊंगा. आप एडवांस अगर हो जाओगे इसमें ये कोर्स में तो यू विल स्टार्ट अर्निंग 2-3 lakh रुपीस पर मंथ मिनिमम. वो उसकी मुझे परवाह नहीं है, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ. लेकिन लेकिन जो नॉलेज है, क्योंकि आपने बताया था आपने जब सूरत में मिले थे तो लोगों ये इंसान का ब्रेन पैटर्न है, लोगों ये सबसे छोटा मॉड्यूल है, जैसे फिजिकल फॉर्म में एटॉम होता है वैसे ही ये लोगों है. तो मुझे जो भी अभी मैं समझ पा रहा हूँ इसको, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है जानने में और इसकी डेप्थ में जाने के लिए सर. तो हाँ, थैंक यू. ग्रेट. तो आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए, आपको समझना है नॉलेज. बिल्कुल बिल्कुल समझना है. मैं देखिए सर, मैं वास्तु में कंसल्ट करता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट मैं हूँ, हीलिंग में मैं हूँ, मेडिटेशन में ऑलरेडी मैं ओशो सन्यासी हूँ. मुझे इन चीजों की समझ है. अब और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि लर्निंग ही सब कुछ है ना सर. बिजनेस तो ठीक है, वो आ जाएगा, कहाँ जाने वाला है. मीन्स बिजनेस तो अपने आप आता है. आप जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारे पास बिजनेस अपने आप आता है. जब हम देने के लिए तैयार होते हैं लेने वाले अपने आप आते हैं. आप देने के लिए तैयार हुए हो इसलिए हम लेने के लिए खड़े हैं. हमारी कोई औकात नहीं है कि हम ये कहें हम अब तैयार हैं और लोग आ जाएं. ना, जब हम तैयार होते हैं लोग अपने आप आते हैं. लोग अपने आप जुड़ते हैं. ठीक है बॉस. तो जो भी है मैं खुद को तैयारी कर रहा हूँ. हर चीज जो मुझे चीजें ठीक लगती है मैं सिर्फ अपने आप को शाइन करना चाहता हूँ, तैयार करना चाहता हूँ. इससे ज्यादा मेरा कोई और दूसरा पर्पज नहीं है. पैसा तो आएगा, कहाँ जाएगा. या वंदना, तुमने थोड़ा बहुत किया, कैसे लगा आपको कोर्स अब तक? सर वेरी नाइस, बट फ्रैंकली आई एम नॉट गॉन, आई जस्ट लिसन. मतलब थोड़ा बहुत मैंने लोगों का आई हैव जस्ट लिसन्ड, बट क्योंकि बैक टू बैक ग्रेफोलॉजी देन रिस्ट वॉच एंड ये सारे बैक टू बैक हो रहे हैं एंड बीच में ड्रॉइंग एनालिसिस, सो अभी तक आई एम जस्ट स्टक विद दैट. आई एम मूविंग अहेड विद दैट, सो आई एम नॉट गेटिंग दैट टाइम टू डाइवर्ट इनटू ऑल सब्जेक्ट्स. तो मुझे लग रहा है अभी मेरा ड्रॉइंग और रिस्ट वॉच ही चल रहा है. सो इट्स नॉट दैट कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ वो हो गया, बट इट्स नॉट दैट व्हाट आई हैव लर्नड आई हैव टू रीब्रश दैट. तो एक बार खुद करूँ तो आई एम मूविंग अ लिटिल स्लो विद द सब्जेक्ट सो दैट एटलीस्ट व्हाटएवर आई लर्न इट टू द बेस्ट वे पॉसिबल. ओवरवेल्म हो गया, इतना सारा एक साथ टूट पड़ा सभी चीजें. सर एक्चुअली दिस लॉकडाउन हैज गिवन अस अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, सो लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी. एंड उसके अलावा ग्रेफोलॉजी भी चली रही है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड प्लस मेड्स आर नॉट देयर, सो दैट हाउसहोल्ड कोर्स आर अगेन डबल नाउ. सो लेडीज के लिए तो एक चैलेंज है. सो इट्स अ कुकिंग 6 टाइम्स अ डे अगेन इंस्टेड ऑफ 3, सो एवरीथिंग इज अ लिटिल टाइम टेकिंग. सो दैट्स इट. सो आई डेफिनेटली डू इट कंप्लीटेड एंड आई लेट यू नो, बट एज of now I really like this subject jitna mujhe pata hai uske bare mein, so I really love the subject and awesome. It's an amazing subject. It helps you to grow internally and externally both, and you great. Of course are a wonderful mentor to be with, so thank you so much. Thank you Samrat ji, aapko kaisa laga course, kaise usme kya kya cheeze aapne? yeah definitely main to isko actual I am a graph designer, so main ye graphology ko thoda us perspective se jaisa apna marathi mein to na nanyala don baju astat, so one side is art जिसमें हम कॉलेज में पूरा उसका साइंटिफिक आर्ट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, नॉट ग्राफोलॉजी पर्सपेक्टिव, आर्ट पर्सपेक्टिव से हम पूरा कुछ सिखाते हैं. लेकिन डेफिनेटली उसके साथ अगर साइंटिफिक या जो भी चीजें है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, रिस्क एनालिसिस है, हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर है, अगर ये सब पूरा मिल गया तो एक अच्छा खिचड़ी बन जाता है और एक अच्छा एक बेस्ट लोगो डेफिनेटली जाएगा, जो कंपनी की प्रोग्रेस 100% में तो कह रहा हूँ 200% करेगा. 200% ये बोल के ना मैं आपको ना एक छोटा सा टेस्टिमोनियल सुनाना चाहता हूँ. कल ही एक मेरे क्लाइंट ने कॉल किया, उन्होंने काफी दिनों पहले भी बोला था कि फायदा हो रहा है, सब हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट यस्टरडे आल्सो ही कॉल्ड और उन्होंने बस मैं जब वो बात करना चालू किया तो मैंने जस्ट थोड़ा सा लेट हो गया मैं, बट मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया उनका. अच्छा, खाली सुनो आपको मजा आएगा. राइट राइट सिस्टम में सीखूंगी.
आपलं आवाज आ रहा आहे का आपको? आणि ते आता इम्प्लिमेंट करतोय आम्ही. हो हो, ड्रोनच्या पिरियड मध्ये आम्ही सिस्टीम शिकून घेतली बिल्डर कुठली, आणि ते आता इम्प्लिमेंट करतोय आम्ही. मी म्हटलं होतं बघा तुम्हाला लोगो चेंज करताना तुमचं डॉक्युमेंटेशन चांगलं होणार, तुमच्याकडे मॅनपॉवर झालं ना आणि पैसा करेक्ट ती पण आली. हेच म्हणतोय आता काय झालंय भगवंताच्या आशीर्वादाने आपल्याकडे ते. तो मेरा कहना क्या है कि उनका लॉकडाउन में पैसा आया है, बिल्डर है, बिल्डर और बिल्डर बोला कि लॉकडाउन में पैसा आया है, इज़न्ट इट ग्रेट? करेक्ट, यस 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 डेफिनेटली. तो ये जो टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं ना, इसमें इतना मजा, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसमें मजा आता है. अरे वाह, फायदा हुआ उसका, उसका फर्क पड़ा और यू नो उसको हमने जो सोल्यूशन वो चाहता था, एक्चुअली उसके दिमाग में सोल्यूशन था भी नहीं. मैं उसके ऑफिस में दो दिन बैठा बिकॉज उनका ये करना था, उनका हैंड राइटिंग में सिग्नेचर चेंज करना था. उस दौरान मैंने उनके प्रॉब्लम्स देखे और उनको मैंने फिर सॉल्यूशन सजेस्ट किया कि अगर ये मेरे को आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो ये मैं आपको चेंज करके देता हूँ. और नाउ दैट पर्सन इज सेइंग प्रॉब्लम इज सॉल्व. करेक्ट. एंड नाउ दैट पर्सन इज ईगर टू गेट एनरोल्ड फॉर द नेक्स्ट कोर्स. वाओ. तो मैं सोच रहा हूँ उनको क्या कोर्स दो. तो बिल्डर को क्या कोर्स देंगे यार? करेक्ट है. क्या कोर्स देंगे? राइट. अच्छा, इसमें मुझे और एक ये क्वेश्चन था दिमाग में, बिकॉज वी आर इनटू ग्राफिक डिजाइन. तो ग्राफिक डिजाइन में तो हम लोग लोगो भी करते हैं लेकिन बाकी सारी चीजें भी चलती रहती है. करेक्ट. जैसे किसी के कोलैटरल्स है, बाकी एडवर्टाइजमेंट चलते रहता है. आजकल ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग रहते आ जाते हैं. तो सिर्फ लोगो के मतलब ये पूरा जो एनालाइज हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ लोगो तक सीमित ना रखते हुए कैन वी फिर हमने जो लीफलेट्स रहते हैं उनको रिस्ट्रक्चर करके दिया है. मतलब इट कैन गो टू एनी लेवल. द प्रॉब्लम इज द पर्सन इज सपोज टू पे इनफ ना, उसका उसके कारण उसमें आरएनडी इतना ज्यादा है, उसमें वक्त इतना बिताना पड़ता है कि एक लीफलेट को बनाने के लिए वी मे चार्ज 50,000 रुपीस. तो 50,000 रुपए देने की आदत नहीं है उनको लीफलेट की डिजाइनिंग के लिए. दैट्स व्हाई इट्स स्पेंडिंग. एल्स हमने दो-तीन लोगों के लिए किया है काम और फंटास्टिक रिजल्ट है. हमने एनालिसिस किया लीफलेट्स का. हमने ऐसे एक आदमी ने एक लोगो रखा और विजिटिंग कार्ड रखा और मैंने लोगो देखा और बोला कि यार तुम्हारा कंपनी तो चलता नहीं है. बोला सर चलता है, ये दो का हमारा ब्रोशर. मैंने ब्रोशर देखा, बोला ये कहाँ पे यूज करते? ब्रोशर उसने बोला हम लोग ये सिर्फ एग्जीबिशन में यूज करते. सिर्फ उनको एग्जीबिशन में ऑर्डर मिलता, बाकी बाहर ऑर्डर नहीं मिलता. मैंने बोला ये ब्रोशर जिस तरह से डिजाइन हुआ है इसके कारण तुमको उधर ऑर्डर मिलने वाला है. तो बोला हाँ. उन्होंने बोला कि हाँ सिर्फ एग्जीबिशन में ही ऑर्डर मिलता है, उधर से उनका कंपनी चलता है. एग्जीबिशन टू एग्जीबिशन. राइट राइट. तो उतना पावर है, खाली उतना समय देना पड़ेगा. उसके लिए somebody has to fund that research. बाकी इशू कुछ नहीं है. somebody will, if somebody funds it, we will do it. करेक्ट 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 करेक्ट. लेकिन काफी काफी इंटरेस्टिंग है, डीप है. या डेफिनेटली. आपने तो इतने सारे लोगों को खुद से डिजाइन किया आज तक लाइफ. एक्चुअली आपको सबके प्रॉब्लम्स पता चल गए आप अभी, है ना? या अभी थोड़ा पता चल रहा है कि यस यस. क्योंकि हम लोग जो करते थे इतने सालों में या इतने दिन में सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखते थे, आर्ट पर्सपेक्टिव से या ग्राफिक डिजाइन पर्सपेक्टिव से. लेकिन ये पर्सपेक्टिव से अभी देखना चालू करेंगे 100%. वेरी नाइस. अंजन जी, आप भी, आपने भी कोर्स खत्म किया पूरा? आप म्यूट हो आप. एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूं आपको. यू आर ऑन म्यूट. म्यूट नहीं, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा आपका? देखो वापस से अनम्यूट ऑडियो. इट्स नॉट हैपनिंग फॉर यू. या फाइनली. या इट्स ऑन नाउ. बोलिए. सर मेरा अभी हुआ नहीं है. इनफैक्ट मैं अभी स्टिल ग्राफोलॉजी में ज्यादा देख रही हूँ अभी पूरा. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मेरे हिस्से में आ गया है. अरे अभी तो, आपका देखो ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं. आपका रिसर्च खत्म हो गया, दो दिन आपने अटेंड किया तो उसमें कवर हो गया ना पूरा. हाँ. ग्राफोलॉजी भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. अभी फिर फोकस ऑन दिस. आपने कवर कर लिया है. अभी मुझे सीखना है अभी भी. सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है. थोड़ा मुझे लोगो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है. बट आई वाज थिंकिंग डिफिकल्ट है. लोगो डिफिकल्ट है, समझना बहुत डिफिकल्ट जाता है. पर ठीक है, नॉट पर जो सिंपल फॉर्म है वो समझना इजी है. ठीक है, बाकी सब लोगों ने तो अटेंड करके सब खत्म हो गया. मतलब आप चार लोग नए हो,
तीन लोग नए हो और एक चौथे ने आज ही एक नया इंसान आया उसने परचेज किया, तो ही विल बी जॉइनिंग अस नेक्स्ट टाइम एंड आज ही उन्होंने ये किया. तो यस, अभी आपके कुछ डाउट्स है क्वेश्चन है तो आप पूछो. एज अ ग्रुप वी विल ट्राई टू सॉल्व देम, रिजॉल्व देम एंड आंसर देम. एल्स वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द इन दैट वे, कि जहाँ पे लोगों हम कुछ स्टडी करेंगे साथ में मिलकर. या किसी के कुछ क्वेश्चन है, डाउट है? मैं पूछना चाहता हूं सर, हमने जो शुरुआत की थी वो लेफ्ट और राइट पोर्शन से की थी, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी से की थी. ग्रेट. उसके बाद फिर मैंने आपके जो पांच और छह जितने भी वीडियोस हैं अपने पूरे कोर्स के मैंने वीडियो कंप्लीट किए थे, लेकिन उसके बाद फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी की ज्यादा बात नहीं हुई थी. मीन्स उसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उसके बाद में नहीं है. करेक्ट. तो जो भी बातें हुई कलर्स की हुई, शेप्स की हुई, आपने जो एग्जांपल दिए, जो कंपनी के लोगो उठाए, उसमें भी यही हुआ कि गैप्स की, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वो सब हुए, लेकिन लेफ्ट और राइट की बाद में हुई नहीं. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें जरूरत नहीं है, या फिर हमें उसमें क्या देखना होता है, या कोई बेसिक चीज देखनी होती है और उसके बाद फिर छोड़ देना होता है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ. तो सी बेसिकली आपने ये तो जान लिया कि व्हाट इज मस्कुलिन व्हाट इज फेमिनाइन, और इसमें आपको कहाँ पे यूज होगा ये पर्टिकुलर चीज. तो टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी, जब आप लोगों को देख रहे हो उस समय पे यू कैन कट द लोगो इन टू पार्ट्स, फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट. वहां पे किस तरह के फॉर्मेशन जा रहे हैं, लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, उसमें से भी आप उसको ढूंढ सकते हो कि प्रॉब्लम किस दिशा में जाएगा. फेमिनिन का प्रॉब्लम ज्यादा जाएगा कि मस्कुलाइन का प्रॉब्लम ज्यादा जाएगा. इन दैट वे यू कैन यूज दैट नॉलेज. जैसे अभी मैं रिसेंट में मैंने एक लोगो का एनालिसिस किया था, जहां पे मैंने देखा कि लेफ्ट साइड के इसमें इशू है. और लेफ्ट साइड के इसमें जोन्स भी स्टडी किया आपने, जोन्स का भी डिस्कशन हुआ है? जोन के बारे में इतना मुझे ध्यान नहीं है. जोन सम्राट जी, जोन के बारे में डिस्कशन किया है कि हमने उसमें? है, काफी ज्यादा है, काफी लेवल पे है. तो उसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनका लेफ्ट साइड पे है इशू और लोअर जोन में इशू है. तो मैंने लेडी को खाली ये क्वेश्चन डाल के पूछा कि घर में किसी को लेफ्ट पैर का कुछ तकलीफ है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था लेफ्ट पैर का. और उन्होंने फिर इमीडिएटली फोन ही किया डायरेक्ट मुझको, बताया कि मेरा लेफ्ट पैर का एक्सीडेंट हुआ और मैं अभी भी दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती प्रॉपर. तो इस तरह से वी गेट टू नो द एनर्जी. कि अगर वो जो एनर्जीज है, जो अभी आपने बात, क्योंकि मुझे याद है आपने मेरा कार्ड देखकर भी ये कहा था कि आपके घर में किसी को कमर का इशू है क्या? ओके. जो भी आपने, जब मैंने आपको मेरा कार्ड दिखाया था सूरत में तब, तो कहने का मतलब इसमें फिजिकल इश्यूज सिर्फ देखे जाते हैं या कंपनी के कुछ और भी इश्यूज देखे जाते हैं? हाँ, अभी देखो अभी क्या कहा जाएगा. अभी फिजिकल इशू है, अगर लेडी को फिजिकल है लेफ्ट हैंड साइड पैर पे, तो कहाँ पे ये मैनिफेस्ट होगा, उनके बिजनेस में कहाँ पे मैनिफेस्ट होगा? अंजना, और क्या, अगर उनके पैर में तकलीफ है तो और कहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाता है वो तकलीफ? चल नहीं पाएगा बिजनेस, दौड़ नहीं पाएगा, लाइक ये सारी चीजें. हाँ, तो बिजनेस चलता क्यों नहीं है, मेजरली क्यों नहीं चलता है? So can you repeat the question? The question is, if some lady who is the owner of business has a problem in the leg, so what kind of problem she will manifest in the business? On the the basic grounded duties on the ground level in running the business, the base of the business, maybe the day to day expenditures, so is it possibility that simple one other thing is movement is affected. So movement of anything and everything related to the business, maybe the products may not move, maybe she may not move, the company might stay in a stationary. So in short, stationary. Whatever
movement is required, it's not, it may not be there. Mm-hmm. Nice. Very good. Our, the best part of this is ground. When you say ground, ground is earth. Earth means money. Earth means money. Money means earth. Money can only buy things which is, which are made up of earth. Okay, money, what money can buy? Money can buy your house made up of earth. Money can buy clothes made up of earth. Money can buy food made up of earth. Money can buy sex made up of earth, because sex is again related to skin. Skin is made up of earth. So, sir, but we relate money with water, right? it's a flow. Okay. When you say money as a water, it's a flow of life. Okay. So in that way, it's a different. Okay. Here, earth means stability. So maximum businesses get stability because of the funding, because of the money. Even if you have a flow and if you don't have the proper ground or proper backing of money, you know, you will not survive in the business. So business requires, along with the flow, it requires a lot of stability in the business. Stability means earth. Earth means, again, a money. So this person, and see, what is your leg? Leg is basically your money. If you want to improve your financial status, you need to work on your legs. The more strong your legs are, more stable you will be in your life. Okay, so it's very much required for everybody to work on their legs. So legs means especially money. So whenever I say that your legs are, the legs area have some kind of problem, then it means it is related to money, it is related to stability, it is related to movement as well. Products may not move, company may not move, you know. They want to leave, let's assume they want to leave the sheds, or they want to leave the place and they want to move to another place. They will not get good place because, yeah. Everyone else can listen. Am I audible to everybody? Yeah, yeah. Yes, yes. Ganesh, you need to check your own thing. Yeah. So that is how the analysis will manifest now. If you have a problem in one area, there can be problem in multiple areas. So ek jagah pe problem low. And for Umesh, a lot of time what happens with me when I analyze, I'm not analyzing from the card or from the logo as well. There are so many parameters I take as an input. And see, this is the way you need to influence other people. So I look at the card, I look at the human being. I see ki kiska zyada analysis karna chahiye, main uska analysis kar leta hu. Jo easy rahega uska analysis kar leta hu, taki it becomes easy for me to influence that human being. Aur ek bar influence ho jata hai to fir sale ho jata hai. Influence karna padta hai sale ke liye. So I may observe your handwriting, I may observe your face, I may observe your body, I may observe your walking style, speaking style, you know, everything. And depending on entire parameter, I say some things. So, kabhi kabhi wo card se nahi rehta hai, kabhi kabhi haath se bhi rehta hai, kabhi kabhi aapke chalne ke tarike se rehta hai, kabhi aapka chehre ke hisab se rehta hai na. I use all the parameters to analyze basically. So, it becomes easy for me to influence that human being then. Okay. और ऐसे सब साइंसेस में अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं करोगे तो सेल नहीं होता है. तो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने आपके इसमें क्या देख के मैंने आपको वो कमर का प्रॉब्लम बोला था, है ना? और मेरी कमर का नहीं, मेरी वाइफ की कमर का बोला था आपने. ओह हाँ, मतलब वो मेरी, आपने मेरी चाल ढाल देख के वाइफ का बोला तो मतलब फिर मेरे लिए तो फिर से एक क्वेश्चन खड़ा हो गया. आई डोंट नो उस समय पे अभी चलो ओके. एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, नो, एट टाइम्स द फ्लो इज लाइक दैट. जैसे इन्होंने देखा कि अभी मैंने जो पहला लेक्चर लिया था इसका, रिस्ट वॉच का, वो अलग था. सेकंड अलग था, थर्ड बहुत ही अलग था. पहले में मैंने जो बोला तब कुछ और बोला था, अभी उसी चीज को देख के मैं आज कुछ और बोल रहा हूँ. हो सकता है मैं भी अपग्रेड हो रहा हूँ, हो सकता है उस समय वो चीज क्लिक हो गई, मेरा R&D चल रहा होगा उसी. तो इतने दिन बाद का तो आई कैंट रिलेट, बट हेंस फॉरवर्ड वी कैन डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स. जो भी आएगा नया वी कैन डिस्कस. एक छोटा सा क्वेश्चन सर, और के अभी सम्राट ने भी कहा कि जोन्स के बारे में वीडियोस में बात की हुई है, शायद मैं नहीं सुन पाया हूं, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं कि किस वीडियो में है सम्राट, मैं तो उसे मैं सुनूं फिर अच्छे से आपको. सेम से मैं जानकारी देता हूं जोन्स के बारे में. एक ही मिनट है, नाम क्या उसका. फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप सबको जो ई बुक है ये अभी आपको एक दो चार दिन में या चार पांच दिन में मिल जाएगा. इसका ई बुक रेडी हो गया है ना. तो जो भी हमने सब बुक में लिख दिया है, तो आपको नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कि वापस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कुछ समझने के लिए. यू कैन डायरेक्टली रेफर टू बुक एज वेल.
राइट राइट नाइस तो काफी मेहनत लेनी पड़ी उसमें लेकिन अभी रेडी हो गया सर और आजकल क्या है पैसे के बारे में बात करना पड़ता है बिकॉज दैट एक्साइट्स पीपल नो लॉट ऑफ पीपल जॉइन बिकॉज दे वांट टू अर्न आउट ऑफ दिस साइंस वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु ट्रूली बिलीव दैट गिविंग विल ब्रिंग द थिंग्स टू देम सो आई रियली अप्रिशिएट यू नो आई वर्क ऑन दैट सेम प्रिंसिपल दैट मोर यू गिव मोर यू गेट सो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर गिविंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज वेल यू नो सो बट बट लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर न्यू टू द साइंस न्यू टू द मेडिटेशन एंड गिविंग पार्ट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट सो फॉर देम मनी इज द प्राइमरी मोटिव motive you know primary motive or this is a motivating factor so maybe this is for you can you see this so this is the upper zone this is the middle zone and this is lower zone so middle zone if you can see these all organs are for day to day living organs these all organs are correct aapka heart yahan pe aa gaya aapka kya bolte usko jo lungs aa gaya jo पेट आ गया तो एवरीथिंग इज हियर फॉर योर डे टू डे लिविंग तो ये मिडल जोन इज फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज मतलब हर रोज जो आपको करना है दिखाना है शो करना है यहाँ पे आपको देखो आप गहने पहनते हो तो छाती के आसपास पहनते हो है ना जो कपड़ा अच्छा पहनते हो तो इधर ही पहनते हो कुछ भी करना है तो इधर करते हो ऊपर का जो पार्ट है वो थिंकिंग के लिए सोचने के लिए आपके विजन के लिए आपके विचारों के लिए आपके यू नो आगे की प्लानिंग के लिए आपके इंटेलिजेंस के लिए अपर लेवल का हो गया ये मिडिल लेवल आपका डे टू डे इसमें हो गया और ये लोअर जो हो गया वो आपका आपका ये मनी सेक्स एक्शन और अर्ली डिजायर्स ये सब के लिए ये बॉटम का पोर्शन हो गया तो इस पोर्शन में प्रॉब्लम है तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आता है मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है ये पोर्शन में प्रॉब्लम है तो फिर उनको डे टू डे ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आता है मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आता है कंपनी का मेंटेनेंस इस अगर मिडल किसी भी लोगों का मिडल जोन खराब रहेगा तो इसके कंपनी के मेंटेनेंस में बड़ा तकलीफ जाएगा उनको रेगुलर इनकम नहीं आएगा उनके रेगुलर फंडिंग नहीं आएगा उनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे चीजों को बेसिकली और यहीं पे अगर टॉप लेवल पे जाते हैं टॉप लेवल में इश्यूज है तो फिर उनके थॉट प्रोसेस में इश्यू रहता है उनके प्लानिंग में इश्यू रहता है उनके सोच में प्रॉब्लम रहता है यू नो राइट तो इस तरह से इन लोगों को हम ये डिवाइड कर सकते हैं जैसे अभी आप स्विगी का लोगो देखोगे तो स्विगी का लोगो जो नीचे से कैसा है पतला है तो नीचे से पतला है तो वो बहुत फास्ट हो गया बहुत अजाइल हो गया तो वो बहुत हाँ बहुत उनके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं क्योंकि फास्ट है ना एग्जीक्यूशन में तो दे कैन इम्प्लीमेंट थिंग्स वेरी फास्ट पर वही आप उनका अगर टॉप पोर्शन देखोगे तो वो बहुत हैवी है मैं आपको दिखाता हूँ सर्च मार के दिखाता हूँ सो कैन यू शो अ लोगो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ डू वी डिवाइड एंड हां द रीजन बीइंग यू हैव नॉट डन नो सो आपने तो दिमाग में छप जाता था ये आपने वो किया नहीं ना डू इट एंड गेट बैक टू यू देन हां नहीं मैं दिखाता हूँ आपको अभी स्विगी लोगो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आप लोगों को मजा आएगा ये समझने में अभी तो समझो ये स्विगी का लोगो है ना इसको पकड़ लेते चलो ओके हाँ तो ये समझो ये लोगो है आप सभी को दिख रहा है स्विगी का लोगो राइट तो अब ये लोगो में देखो क्या होता है नीचे से जो है ये पतला है ऊपर से ये जो मोटा है ना तो अभी ये एग्जीक्यूशन इनका फास्ट है लेकिन इनका सोच में बहुत वक्त लग जाता है तो जितना वक्त आपको स्विगी के ऑर्डर के लिए लगता है ऑर्डर के लिए लगता है उसके कम समय में स्विगी वाला ऑर्डर लेके आता है okay. आपको डिसाइड करने को जितना वक्त लगता है ना स्विगी के इसमें उसके हाफ ऑफ द टाइम में स्विगी वाला ये लेके आता है बिकॉज यहाँ पे सोच में ज्यादा समय जाने वाला है इट टेक्स लॉट ऑफ यू जस्ट ट्राई टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम स्विगी इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू इफ यू आर नॉट प्री डिसाइडेड नो इफ यू वॉन्ट टू गो एंड सर्च एंड चेक देन इट्स लाइक इट विल टेक 20-30 मिनट्स टू जस्ट टू ऑर्डर आप 1 बजे सोचते हो खाना खाने का तो आपको 12:30 बजे अगर आप स्विगी यूज करना नहीं चालू करते हो तो वो आपका ऑर्डर जो है वो लेट ही होगा हैव यू गाइस ट्राइड इट स्विगी को कभी ऑर्डर करने का तो या कैन यू रिलेट टू माय एक्सपीरियंस हां ट्राई किया यस सर करेक्ट या सो दिस इज व्हाट हैपेंस सर देन व्हाट अबाउट द पॉइंटेड थिंग व्हिच इज कमिंग डाउन इट मेक्स थिंग्स फास्ट नो दे आर फास्ट विद द डिलीवरी ओके एग्जीक्यूशन में फास्ट है विचारों में स्लो है
तो आपको आप इनका ऐप कर यूज करते समय आपका भी बाय डिफॉल्ट स्लो जाते हो, आपको भी स्पीड नहीं मिलता, आपको ऑर्डर करने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन जितने वक्त में ऑर्डर करते हो उससे जल्दी ये आ जाता है, फूड आ जाता है। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि 30 मिनट लगा मुझको ऑर्डर करने के लिए, 10 मिनट में इंसान लेके आ गया, 10-15 मिनट। तो ये होता है जोन्स की बात जब करते हैं, पर ये लोगो आइडियल है स्विगी के लिए, स्विगी के लिए मैच हो गया। सर बट अगर कुछ लोगो अगर सिर्फ मिडिल जोन हो, ऐसा नहीं होगा, हर हर एक लोगो, वी हैव टू डिवाइड एवरी लोगो इनटू थ्री जोन्स। या यू कैन ऑलवेज डिवाइड लोगो इनटू थ्री जोन्स एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अ लेटर। लेटर के लिए आपको ग्राफोलॉजी यूज करना पड़ेगा। ओके, पर लोगो इज थ्री जोन्स, देखो अभी ये एस है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ एस, व्हाई, बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी नाउ। तो ग्राफोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, मतलब मेरे हिसाब से कितना अभी हमने कितना घंटा सीख लिया अब तक ग्राफोलॉजी, अंजना हाउ मेनी आवर्स फॉर वी आर डिस्कसिंग ग्राफोलॉजी नाउ अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेट किए तो। वो इसके लिए मैंने इसमें लोगों में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर वो उसको लोगों में मैं इंक्लूड करता हूँ तो वे फिर मुझको आई विल हैव टू चार्ज मोर एंड है ना उतना समय भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया था लोगो कंप्लीट लोगो मास्टरी। तो इन दैट हम वी हैव इंक्लूडेड द ग्राफोलॉजी, वी हैव इंक्लूडेड ड्राइंग, वी हैव इंक्लूडेड रिस्ट वॉच, वी हैव इंक्लूडेड द ड्राइंग रिस्ट वॉच लोगो, और ये सभी इसमें आ गया, हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजी सबसे। तो उसमें क्या फिर वो इंसान सभी पढ़ेगा, जैसे यू आर एक्चुअली हैव गॉन फॉर द लोगो मास्टरी, बेसिकली आपका सभी कवर हो रहा है ना वंदना। हाँ मैं ऐसा समझूं कि पूरा कार्ड उसमें एनालिसिस होगा, कार्ड की जो फोन नंबर की पोजीशंस, जो ओनर का नाम होगा वो कहां पर है, एड्रेसेस कहां पर है, वो भी सारा कुछ कवर होगा। वो लेवल थ्री, वो लेवल थ्री। ओके, वो लेवल थ्री में देन पोजीशनिंग के बारे में हम सिखाएंगे कि किसको कैसे पोजीशन देना है और किसका क्या साइज रखना है और क्यों ऐसा साइज रखना है, लेवल थ्री। एंड लेवल फोर व्हेन नाउ दिस इज अ बिजनेस, हाउ कैन यू सेल इट, how can you do business out of it, how to become popular with it, so level 4. okay, and what about page concept? Page concept is connected to with simple font logo, font ke jaise logos hote hain unke liye. abhi isme bahut dicey hai ye page concept jo hai na, to let me be honest, very much honest with this ki it's very dicey to use page concept in the logo, because we are not writing on A4 size page, right? Wo A4 size correct hai na, to utna, aur we are not writing no consciously, sabko ye pattern hai, fix kar diya aise hi hoga, so it may have the similar vibrations, but we should not go into that, you know, it will not give you a good outcome, good results nahi milenge utne acche usme se. okay, it has to be combined with something else. Right. और आजकल हम लोग जो विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं या विजिटिंग कार्ड आजकल जो मॉडर्न स्टाइल आया है, क्या है पहले, जैसे पहले हम सिर्फ सिंगल साइड रहता था यूजुअली, बहुत बार तो सिंगल साइड रहता था पहले जिसमें पूरा कंपनी का नाम, बंदे का नाम, फोन नंबर, एड्रेस सब एक ही जगह पे है, लेकिन आजकल कैसा है कि वी आर यूजिंग बोथ साइड ऑफ विजिटिंग कार्ड्स, राइट? सो एक साइड पे कंपनी का नाम होता है, आई मीन लोगो होता है और वेबसाइट या फोन नंबर होता है, और दूसरे साइड पे पूरा कंपनी का एड्रेस, बंदे का नाम, बाकी सारे डिटेल्स होते हैं। इवन वी आर यूजिंग वन साइड व्हाइट ऑन लोगो एंड अदर साइड सपोज लोगो में प्राइमरी कलर ऑरेंज है और सेकेंडरी कलर सपोज से ब्लू है, एग्जांपल लेते हैं। सो वी आर यूजिंग प्राइमरी कलर ऑन द बैक साइड फुल ऑरेंज और उसके ऊपर कंटेंट होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? See, अगर जहाँ पे आपने कार्ड के पीछे कुछ छाप दिया ना, यहाँ के इसके पीछे, तो इट मीन्स जब आप मेरे से बात कर रहे हो तो एक ही साइज देखोगे ना, आप दोनों नहीं देखोगे। करेक्ट, इट्स लाइक यू आर नॉट फुल्ली truthful to your clients. जब आप ऐसा यूज करते हो दोनों तरफ से, तो lot of times you are not fully open with the client. You tend to hide things, you are not communicating enough. तो वो उसमें आ जाता है, hiding आ जाता है जब आगे पीछे कर देते हो ना, क्योंकि एक समय तो एक ही चीज दिखेगी ना। But I think nowadays it's a
It's a trend. It's becoming a trend to do like that. I mean, like that. Like, it's a trend. Who cares? What is the trend? No, I mean, that is the way people are doing it. So everybody is like, yaar, agar card jayega, to thoda effective hoga and people will influence. So something like that. See, in one era, it was a trend to smoke. Even the kids, even the kids, elders, everybody used to smoke. It was a fashion by then to smoke. Because it was been portrayed like that. Do you know the story of diamond? Why diamond are so popular? Pardon, your voice was cracking. I said, do you know the story why the diamonds are so popular? No. Because they made a trend out of it. It was not the trend. It was not. Nobody was using diamonds. So then, and diamonds are in abundance. They are not. It's like the stone in the river. It has no value technically. If you go to South Africa, people will throw diamonds at you to kill you. Oh. Because it's like they are in abundance. So they wanted to make them precious. So what they did? They went for this strategy. First thing they did is like they captured the entire forest or entire river in which you can get the diamonds. And they made a rule, okay, only these many diamonds can be extracted out of it. So it becomes a scarcity first. Second, what they did, they put a lot of stamping and this and that. It means no unauthorized person can sell it. Third, they introduced a cultural thing into it. They went for the expensive advertisement wherein people were proposing other ladies to whom they want to marry with the diamond ring. So it took them around 30 years. Mm-hmm. Make it a mainstream, but imagine a guy who was 10 years old. He saw that advertisement, and in his subconscious mind, the only way to propose was to give a diamond. So that is how, after one whole generation, a diamond became the precious thing. And now you know they have artificial diamonds as well. A diamond and artificial diamond has no difference. The carbon structure is almost same. You can make artificial diamond now. Still, they again going for that thing. Okay, it doesn't have a value and it has a value. That's why they allow to buy back the diamonds because they know. Pehle hi bechte samay profit kar diya yaar. There is no value of it. So what is the trend? Doesn't matter because these people are going to influence your mind, influence your thinking better, and it's like drinking Coca-Cola. Is it good or bad? Bad, definitely. But it is a mainstream. It is a trend. It's a trendy thing now. So what is the trend? Doesn't matter. You go with what you have studied. Will always benefit you more. Okay. And what about texture on the visiting card? It's like... Yeah, texture mein kaise na? Now you need to understand the business. Texture mein kaise hota hai? Jiska texture kharab hota hai, unko bahut challenges business mein aate hai. Jinka smooth hota hai, wo... लोगों का स्मूथली धंधा चलता है जिनका अगर आपने नॉन टीयरेबल कार्ड यूज किया है ना लाइट लाइट फ्लेक्सिबल कार्ड्स हाँ तो ये पता नहीं है तो नॉन टीयरेबल नहीं है मेरे पास अभी है क्या ठीक है इफ यू सी इफ यू यूज अ नॉन टीयरेबल कार्ड ऐसा करो मेरे तो फटता नहीं करेक्ट दीज पीपल आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन देयर बिजनेस राइट फ्लेक्सिबल होते हैं बिजनेस में किसी के साथ भी किसी भी रेट पे कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हैं आज घर बेचने कल घर का फर्नीचर बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं परसों मतलब दे आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल आप में से किसी का है तो बोलो बिजनेस कार्ड इस तरह का मेनी आई सॉ मेनी मारवाड़ीज दिस टाइप ऑफ गुजराती दिस टाइप ऑफ कार्ड सस्ते के लिए जाते ना वो पहला तो सस्ते के लिए जाते परफेक्ट सबसे सस्ता कार्ड वही आता है तो इतने फ्लेक्सिबल होते वो कभी एक रुपए छोड़ देते कभी 50 पैसे पे छोड़ देते कभी 10 पैसे भी धंधा करने के लिए रेडी हो जाते करेक्ट है नॉन टेरेबल बिकॉज दे आर वेरी फ्लेक्सिबल नो दोस कार्ड एंड दे कैन नॉट ब्रेक तो देखो धंधा टूटता नहीं है धंधा फूटता नहीं है बने रहते क्योंकि फटता नहीं वो पर बहुत फ्लेक्सिबल होते धंधे में बट इज इट कनेक्टेड फॉर द ग्रोथ और एनीथिंग मतलब वैसे कुछ है उसका जैसे आई मीन फॉर सम नेगेटिव पॉइंट्स आर देयर सम पॉजिटिव पॉइंट्स आर देयर राइट हां तो वही तो बोला ना पॉजिटिव कैसे डिपेंड करता है कि आपका धंधा क्या है आपका धंधा कैसा है आपका धंधे का स्टाइल क्या है सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है क्या धंधे वाले की सबसे बिजनेस वाले की
जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं आपको कि हु इज योर क्लाइंट, क्या बोलोगे आप? जो जो पैसा दे रहा है वही क्लाइंट है, सिंपल है। अंजना जी आपका क्लाइंट कौन है? मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्टर्स है मेरा क्लाइंट्स। अच्छा गणेश जी आपका क्लाइंट कौन है? People from 30 to 50 who are growth hackers who are interested in growing and who are having challenges. Mm-hmm. Okay. और तो उमेश जी आप बोलना चाहो तो आपका आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ही इज माय क्लाइंट? मैं मेरे अलावा सामने जो भी इंसान आता है उसमें मैं मेरा क्लाइंट देखता हूं कि ये मेरा क्लाइंट बन सकता है। वेरी नाइस। तो इसमें अभी सबसे बड़ा जो इश्यू है आप सभी का, आपको अपने क्लाइंट का परसोना पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं क्या को पता ही नहीं कि आपके क्लाइंट का पेट बाहर निकला है कि अंदर आया हुआ है, उसका गाड़ी किस तरह का है, वो फोन किस तरह का यूज करता है, यू नो, क्योंकि आपको खुद का धंधा ही नहीं पता। मेरा क्लाइंट को कौन है पता है क्या? जो वास्तु और न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखता है। तो मैं जो मेरा एड चलाता हूं है ना, एक मिनट तो जब मैं मेरा ऐड चलाता हूं मैं सिर्फ दो पैरामीटर डालता हूं उसमें, एक तो एज का क्राइटेरिया डाल देता हूं क्योंकि मुझको पता है कि ये किसको समझेगा, उन लोगों को समझेगा जिनका एज 25 से लेके 45 तक है, तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया वो हो गया। दूसरा क्राइटेरिया उसको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इन सब में इंटरेस्ट है, बस बाकी कुछ नहीं करना मुझे, यही मेरा क्लाइंट। आप देखो आप सभी का कहीं ना कहीं तो इससे रिलेशन है। करेक्ट है, करेक्ट है, यू आर राइट। हां देखो मेरा धंधा चल रहा है, तो आपने अपने क्लाइंट को सोचना पड़ेगा आपका क्लाइंट कहाँ जाता है, उधर आपने जाना चाहिए, रास्ते पे घूमो मत, है ना। अगर आप ये उमेश इज डूइंग स्मार्ट थिंग, उमेश कहाँ जा रहा है? मेडिटेशन करने जा रहा है। उनका क्लाइंट मेडिटेशन करने आता है, 100% आता है। मेरा भी क्लाइंट मेडिटेशन करने जाता है, मेरा क्लाइंट न्यूरोलॉजी सीखने जाता है, मेरा मतलब ये जो सभी चीजें रिलेटेड है एनर्जी से, वो सभी चीजें वो करता है। तो इन जगह पे अगर आप जाओगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। हमारा जो काम है, मेरा जो काम है, जो इंसान, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि सब जो भी लोग मुझसे मिलते हैं मेरे क्लाइंट हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान लाइफ में कोई ना कोई परेशानी लेकर बैठा हुआ है, अपनी टांग फंसा के बैठा हुआ है, ठीक है। तो आधे घंटे तक अगर मैं उसे डिस्कस कर लूं किसी टॉपिक को लेके, तो वो क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरी मैं हर किसी में संभावना देखता हूँ, क्योंकि हर इंसान परेशान है, ठीक है। तो मैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को या किसी पैटर्न को मैंने फॉलो नहीं किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा पर पता है, इसमें आपको टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको है ना, मतलब आप 10 लोगों से बात करोगे उसमें से एक आपको पैसे देगा। मेरे को पता है कि आज मेरे को 101% पैसे देगा, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि ये मेरा क्लाइंट। तो मेरे को तो इसमें आपका समय बचता है, फिर आपको पढ़ाई करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि आपको 10 लोगों से नहीं मिलना, फिर आपको एक ही आदमी से मिलना। करेक्ट है। तो पढ़ाई ज्यादा कर सकते हो, फोकस हो सकते हो। अच्छा ये आदमी आपको ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होता है, ये आदमी आपको ज्यादा पैसे देता है, व्हाई? बिकॉज़ ही इज योर राइट मार्केट, हम इसको बोलते हैं राइट मार्केट। तो राइट मार्केट वाले इंसान को ढूंढो, तो तब आपको जब आपका धंधा पता रहेगा, तो आपको आपका कस्टमर पता रहेगा, तो उसके हिसाब से यू कैन चूज द कार। तो ये हमारा उसमें आता है 4th लेवल में, जहाँ पे वी मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड समबडीज बिजनेस। कभी कभी सामने वाले को भी पता नहीं रहता कि उसका बिजनेस क्या है। जैसे मेरे पास अभी गुजरात का एक क्लाइंट आया, उसने मुझको पूछा कि मेरा लोगो डिजाइन करना है। तो मैंने उसको पहला पूछा कि व्हाट डू यू डू, क्या प्राइसिंग रहता है, कैसे धंधा करते हो, सब समझ के लिया। फिर मैंने उनको 2 सोल्यूशन दिए मेरी तरफ से। वो सोल्यूशन थे, वो कपड़े के मैन्युफैक्चरर है, और कपड़े के मैन्युफैक्चरर में उनका जो प्रोडक्ट है वो 159 से है और 990 तक ऐसे, और 12 शॉप है, उनको 12 शॉप का 100 शॉप करना है। 159 रुपए से 999 तक के प्रोडक्ट्स है उनके पास। तो मैंने 2 सोल्यूशन उनको दिए। मैंने एक सोल्यूशन उनको दिया कि हम आपके इधर वॉकिंग्स बढ़ाएंगे, आपके इधर लोगों में से वॉकिंग ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग आपके शॉप पे आएंगे, वो पहला काम करेंगे। और सेकंड हम करेंगे कि अगर वो मोजा लेने आता है तो जीन्स लेके जाएगा, मतलब
₹200 का खर्चा करने वाला है तो ₹2000 खर्चा करके जाएगा, ये दो वाइब्रेशन होगा आपको डाल के देंगे, हो गया ना काम। अब ये भी उसके दिमाग में नहीं था कि ऐसा धंधा होना चाहिए, तो बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाई दिस बिजनेस विल ग्रो वी वेर एबल टू हेल्प इट। तो ये जो है ये बिजनेस कंसल्टेंसी में आता है, ये बिजनेस को समझने की ताकत रहती है, ये है लेवल फोर। तो लेवल फोर में यू विल बी अवेयर अबाउट वॉट इज द सोल्यूशन यू नीड टू गिव टू अदर पर्सन। कोई भी चीज बुरी अच्छी नहीं है, कोई भी चीज नहीं, आप कैसे यूज करते हो उससे वो रिजल्ट देगा। जैसे देखो स्विगी में ऐसा डाला है, और येस बैंक ने डाला था ऐसा, उसकी तो वाट लग गई। करेक्ट, स्विगी में यह है तो उसके लिए अच्छा है, येस बैंक में यह है, येस बैंक के लिए बुरा है, बिकॉज दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंस को अगर आप इतना जल्दी जल्दी दोगे तो आप मुसीबत में आओगे ना। आर यू गेटिंग इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेन इज, जैसे अगर मई महीना है तो जो पॉट मेकर्स है उनके लिए रेन बहुत बेकार है, करेक्ट, उनका पूरा धंधा चौपड़ हो गया, लेकिन खेती करने वालों के लिए वही अच्छा है। सो सिमिलरली राइट, हाँ देखो अभी मैं आपको येस बैंक का लोगो दिखाता हूँ, अब देखो सेम अभी स्विगी के बारे में बात किया, अभी येस बैंक का लोगो देखो आपको क्या दिखता है, इसमें पॉइंटेड है, देखो इसमें भी पॉइंटेड है, दिख रहा है आप सबको? राइट, पॉइंटेड है। क्या हुआ इस बैंक का? बैंड बज गया है। बहुत जल्दी जल्दी लोन दिया। दे गिव लोन्स वेरी फास्ट, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बहुत जल्दी 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 लोन दिए। आपने कभी इस बैंक से लोन लिया? हम चुक गए। Sir, it is pointed on the top also. So can we say that they are very impulsive thinkers? जो planning strategy है वो उनकी बहुत impulsive रही होगी। Yes, yes, we can say that. Because Swiggy had a broadened top. Again, this is a very pointed top. Yeah, yeah. So इनका दोनों जगह पे क्या हो गया? Fast हो गया थे। Fast हो गया, right? So इतना fast bank में नहीं चलता है, boss. Bank में नहीं चलता इतना fast. फास्ट चलेगा लेकिन फिर उनका जो फाइनेंसिंग है वो माइक्रो फाइनेंसिंग रहेगा तो चलेगा, यू नो ऐसा बहुत है। तो ऐसे बहुत मैच्योरिटी लगता है इसमें, आपको अगर लोगो डिजाइन करना है साइंटिफिक वे से तो यू रिक्वायर लॉट ऑफ मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, और आर्टिस्ट में इतना पेशेंस होना उसका बिजनेस समझ के लो, रूल समझ के लो, बिजनेस कैसे चलता है, पैसा कहाँ से आता है, कितना बिजनेस कर रहा है, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, उस ऑडियंस का क्या थिंकिंग है, तो वो आर्टिस्ट में इतना पेशेंस रहेगा कि नहीं, आई डाउट सम्राट जी। या शुरुआत में नहीं रहता डेफिनेटली, जो नया आर्टिस्ट है जूनियर आर्टिस्ट या मे बी सीनियर लेवल तक उनके नहीं रहता, लेकिन जैसे फॉर अस लाइक वी आर इनटू 20 इयर्स वी आर इन दिस इंडस्ट्री, सो उनके लिए उनके पास डेफिनेटली होता है कि उनको सिर्फ लोगो डिजाइन इज नॉट अ प्रायोरिटी या इज नॉट अ थिंग, वी आर वर्किंग देयर होलिस्टिक ब्रांडिंग ब्रांड कम्युनिकेशन, सो तब हमें ये सारा कुछ मतलब पेशेंस रख के रिसर्च करना पड़ता है, राइट? सम्राट जी एक 3-4 लाख का पैकेज बना, इसमें घुसे मिलके बैठते हैं, दोनों मिलके बेचेंगे। 3-4 लाख का पैकेज बनाओ, इसमें सब कवर, ये कलर क्या, वेबसाइट क्या, ये सब सब सब। गुड गुड, वी कैन डू इट डेफिनेटली। हाँ एंड सी, आपको आपने सुना ना वो जो इसका मैंने काम किया फॉर्च्यून बिल्डर से, अपने फॉर्च्यून वास्तुशिल्प, आप पहचानते हो फॉर्च्यून वास्तुशिल्प? नो, जय गणेश में 3rd फ्लोर पे उनका काम किया मैंने। 3 महीने के अंदर उनका सब फाइनेंशियल जो तकलीफ था खत्म हो गया, और जितने भी लोग काम कर रहे थे ऑफिस में सब छोड़ के गए, और जो भी नया स्टाफ आया मनपसंद स्टाफ आया। वाओ, मैंने उनको बोला था कि वो स्टाफ बदलेगा, अपने आप बदलेगा, आपको करने की जरूरत नहीं। करेक्ट, मेरे को लगा था 7-8 महीने लगेंगे, 3 महीने में हो गया, जल्दी हो गया, राइट? एवरीथिंग हैपेंड लाइक यू नो क्विक फॉर देम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ, बट वी चार्ज वेरी लेस टू देम, है ना। बट द थिंग इज, अगर क्योंकि क्या है, मुझको वो डिजाइनिंग में नहीं जाना है, आई वांट टू कंसल्टेंट, मैं बता दूंगा ये ऐसा ऐसा करो, मेरा काम खत्म हो गया। आप बोलोगे कि डिजाइन में इंटरेस्ट लो, फिर ये देखो, फिर वो देखो, तो इट हैज दैट मच फॉर दी। HSBC का लोगो देखो अभी आप, क्या दिखता है आपको HSBC के लोगो में? लोगों का बेस तो ब्रॉड है, दे आर मोस्ट स्टेबल। या सो देखो, या HSBC वाज एबल टू विथस्टैंड ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस
इन द फाइनेंस सेक्टर. जितने भी उतार चढ़ाव है उसमें एचएसबीसी कभी हिला नहीं. इवन इफ जब अमेरिका में बैंक्रप्सी हुई थी, जब जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो फाइनेंस में थी वो गायब हो चुकी थी, एचएसबीसी को कुछ नहीं हुआ था उस समय पे. गणेश कैन यू नो जस्ट कंफर्म दिस. या गणेश गायब हो गया लगता है. गणेश sir, is it that the incoming and the outgoing also they try to maintain a balance between the two? Wait, Ganesh, yeah. Yeah, it also worked in HSBC. Uh-huh. The surprising factor is like, even though it is Chinese, there is a lot of Chinese influence over there. And there are some cases, even they were even caught and they made corrections and so on and so forth, but still they were stable. I was working for HSBC, in the sense like as a consultant. So I got even the numbers and so on and so forth. I got to know the inside traits also. Yeah, it is true that somehow they managed to come out of it. And they don't implement things very fast. Bahut R&D karte hain, bahut do teen saal before the product goes live, they mock tests at least for 2-3 years. पैरेलल सर्वर रखे उन्होंने टेस्टिंग के लिए. Am I right or wrong? Yeah. Extensive testing करते हैं. देखो अभी now we are getting into the psychology. I have not worked, I have not seen. मतलब HSBC सॉफ्टवेयर में काम किया, मैंने कभी बैंक में नहीं काम किया, लेकिन वो उनका जो टेस्टिंग है वो बहुत थरो रहता है. बहुत ज्यादा दिन वो टेस्टिंग पे देते हैं. Why? Because now they are रिसर्च. हाँ, रिसर्च, क्योंकि वक्त है ना, वो वक्त ले रहे हैं ना बहुत ज्यादा. ऊपर भी या ऊपर भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, नीचे भी हॉरिजॉन्टल है. तो दे विल स्टे 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 बहुत दिन तक इंतजार करेंगे और फिर इंप्लीमेंट करेंगे. तो जो भी इंप्लीमेंट करेंगे वो बहुत ही सिक्योर्ड रहेगा, बहुत ही स्ट्रांग रहेगा. हैपजर्डली कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते ही नहीं है वो, और जो करते हैं तो बहुत जल्दी बैकफायर नहीं होता या पीछे नहीं हटते वो. राइट राइट. एंड व्हाट अबाउट दिस टू पॉइंट्स ऑन मिडिल जोन? इट्स अबाउट यू कैन से कम्युनिकेशन. मिडिल जोन इज फॉर कम्युनिकेशन वेयर इन दे आर शार्प. सो यू विल गेट मल्टीपल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम देम. इन द सेंस उनके SMS बहुत रेगुलरली आएंगे आपको, उनके मेल्स बड़े रेगुलरली आएंगे आपको. इनफैक्ट यू विल गेट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम देयर साइड. दे आर वेरी शार्प इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. अच्छा, दूसरा एक मैंने जो प्रेजेंटेशन में भेजा उसमें एक यह है कि सिमेट्री का कुछ कनेक्शन होता है क्या ग्राफोलॉजी में? देयर लोगो इज सिमेट्रिकल लेफ्ट एंड राइट साइड. अभी देखो इसमें अभी कैसे उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग, बिकॉज अभी देखो ये जो लोगो था इसमें ये अनबैलेंस लोगो है. ठीक है, अभी इसमें आपको थोड़ा इंसाइट जो मैंने क्लास में नहीं बताया आपको, कोर्स में नहीं बताया, वो है कि यहाँ पे देखो ये पार्टीशन है. ठीक है, इस पार्टीशन बिटवीन एस एंड बिजनेस बैंक. ठीक है, या अभी नाउ दिस इज द पार्टीशन. एस जो है वो स्टार्ट है, वो जीरो है, और बैंक जो है वो मैनिफेस्टेशन जो वन है. तो जो जो चीजें जो आदमी स्टार्ट कर रहा है और जो चीजें एग्जीक्यूट कर रहा है वो दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें ये लाइन आ गया दोनों के बीच में. ठीक है, तो इसमें इनका और इनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, और ये दोनों सेपरेट एंटिटी करके काम करते हैं. इसलिए इनको पता ही नहीं था कि इन्होंने इतना सब कुछ गड़बड़ कर दिया है. बैंक चलाने वाले लोग, काम करने वाले लोगों ने इतना गड़बड़ कर दिया. ये जो उनके प्रॉपर ये थे डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको पता ही नहीं था. बहुत लास्ट में उनको पता चला कि गड़बड़ हो चुकी. और ये देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनबैलेंस स्ट्रक्चर है, अगर इसके कारण देखेंगे ना, समझ रहे हो क्या? ये थोड़ा सा आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. अच्छा, कमाल है आपका स्क्रीन. हाँ, अभी हो गया. हाँ, तो ये देखो अनबैलेंस स्ट्रक्चर है वो. हाँ, लेफ्ट में मुड़ा हुआ है वो, राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है, ऐसा है. हाँ, बैलेंस अलग अलग है. राइट राइट राइट, करेक्ट. तो ये भी थोड़ा सा उतना बैलेंस का इश्यू अगर रहा लोगों में ना, तो ओवरऑल इसमें क्या देखो आपको क्या हो रहा है, इसमें एस जो है वो ओरिजिनेटर है, बैंक जो है वो इम्प्लीमेंटर है. तो जो इम्प्लीमेंट करने वाले वो हेवी है, तो जब आपका जब आपका फाइल रेडी नहीं रहेगा तभी भी ये लोग जबरदस्ती करके उसको करवा देंगे. राइट राइट राइट. तो बहुत ज्यादा उनके जो कर्मचारी थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो लोग बहुत डोमिनेटिंग थे. वो बहुत डोमिनेटिंग थे टुवर्ड्स दी जो डायरेक्टर्स वगैरह थे ना, उनके बहुत डोमिनेटिंग नेचर से काम कर रहे थे. आप चेक कर सकते हो, मेरे को, मैं तो ये एनालिसिस है,
But sir, what about it is broad from the lower structure? Kidhar hai broad? Ye dekho na, yahan pe point aa gaya na. Acha. Okay, we will not go according to the arrow which is moving up. What? Which arrow? जो नीचे से थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर ऊपर जाके बिल्कुल पॉइंटेड हो रहा है, सो वी विल नॉट कंसीडर दैट. इट्स देयर इज नो नीड बेसिकली बिकॉज़ इट्स अ पॉइंटेड थिंग. ओके. एंड इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे जाके कम हो गया. राइट, वही यहाँ पे इंपल्सिव हो गए और यहाँ पे दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट. ओके, सो ऐसे बैंक्स में भी आप ना कंसल्टेंसी ले सकते हो, कई सारे बैंक्स की. हमारे पास ऑलरेडी एक बैंकर है, संजय जी, क्या बात कर सकते हो क्या? क्या अलाउड नहीं आपको? और क्या आप देखो, बहुत अच्छे अच्छे लोगोज है देखा जाए तो. और कौन सा लोगो आपको डिस्कस कर? अभी देखो इनका क्या होगा. अंजलि, आपके पति कौन से इसमें काम करते हैं, मैं भूल गया. क्या नाम है उन कंपनी का जो हॉरिजॉन्टल बार्स की जैसे बिल्डिंग बनाते हो, कौन सी कंपनी है कंस्ट्रक्शन में? वर्टिकल बार्स. कैन वी डिस्कस द लोगो ऑफ एनबीआरसी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर? आप सभी लोगों के पास खुद के कार्ड्स है क्या, विजिटिंग कार्ड्स? हाँ सर है. हाँ तो वो डालो ग्रुप पे, मैं जरा हम लोग देखते कैसे एनालिसिस हो सकता है उसका. मोबाइल दो तो. इसमें तो क्या सिर्फ पैसे खाने के लिए लोग बैठे हैं यार, ये है ना लोगों. लोधा बेलमोंडो. हाँ लोधा उनका करेंगे एनालिसिस थोड़ा सा. इसमें तो क्या सब ये है ना, मतलब एवरीबॉडी इज टेकिंग देयर ओन चेयर, नोबडी इज टॉकिंग टू एनीबॉडी. नो सर, व्हाट अबाउट द लोअर स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग दिस वे? ठीक है, फास्ट है, अगेन पॉइंटेड है. सो हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड विद मनी ओनली? मनी मतलब अभी अरे गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट पैसा ही रहता है, बाकी क्या रहता है? काम कौन करता है वहां पे? दे डू द प्रोजेक्ट्स फॉर मनी. आपके इधर अगर टॉयलेट भी बनाएंगे तो वो मनी के पैसे ही कमाने के लिए बनाते हैं वो लोग. किसी मिनिस्टर को प्रोजेक्ट लेना रहता है, इसके लिए चलता है वो सब. देर इज नो मतलब अच्छा काम करके पैसे कमाने वाले बहुत कम है, लेकिन ये बहुत है मतलब. ओके, क्या आपका अगर हम लोग कार्ड का एनालिसिस करते हैं ना, तो जस्ट पुटिंग माय कार्ड. सर मैं कौन से कार्ड डालूं यहाँ पर अभी? आप क्यों डाल लो, आपका तो हो गया ना, हमने डिजाइन किया ना नया. ये कार्ड डालते कैसे? I can't analyze it so far. हाँ तो हम बनाते ऐसा कि हमारे स्टूडेंट्स को एनालाइज नहीं कर पाए. दिस इज गुड यार. या पुट माय कार्ड. सी आप बिलीव नहीं करोगे कितने सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं ये समझने के लिए कि ये कर क्या रहे, रिजल्ट कहाँ से आते. तो हम लोग क्या होता है, हम लोग बिजनेस समझते हैं ना. हमारा सीक्रेट क्या है, वी अंडरस्टैंड बिजनेस. तो बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के कारण वो अच्छा हो जाता है. हम समझते हैं कि ये आदमी का धंधा चलेगा, क्यों चलेगा, इसका क्या तकलीफ है, कौन से पॉइंट पे ये स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके कारण रिजल्ट देते हैं हम लोग. ये साइंस का तो यूज करते हैं रिजल्ट देने के लिए. करेक्ट, है ना. आप समझिए ना मेरा कहना कि अभी आचरेकर का क्या सीक्रेट है. आचरेकर ये आचरेकर क्या समझता है कि ये बैट्समैन का क्या स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है, तो वो बैट्समैन अच्छा हो जाता है. जैसे सेवा को उसने कभी नहीं बोला होता कि तुम पैर मूव करो, बिकॉज सेवा का स्ट्रेंथ था यार, बिना पैर हिलाए मारो. वही अगर उसको गलत आदमी के पास दे दो आप, तो उसका बेचारे का पूरा करियर खत्म हो जाएगा.
काफी लोगों ने हमने भेजा हुआ है, चलो ग्रेट। अरे डिंपल का भी कार्ड आ गया इसमें। सर आप मुझे सिखाइए मेरा कार्ड एनालाइज करने को, मुझे नहीं जम रहा है वो नहीं नहीं करेंगे हम लोग, नहीं आज बताओ सर प्लीज। नहीं नहीं उसका फोर्थ लेवल का नॉलेज है वो, उसके लिए फीस अलग है। अरे वो फीस ठीक है, पर आप बताइए ना उसमें है क्या, आपको क्या दिख रहा है उतना तो आप बताइए प्लीज। मैंने बोलने वाला कुछ यार सर प्लीज, आप यूज करो, रिजल्ट दो मेरे को, टेस्टिमोनी दो, फिर मैं बताता हूं आपको। उसको बोल दो कि फायदा हो गया सर, थोड़ा तो बताइए प्लीज, थोड़ा कि आपका धंधा अच्छा चलेगा और क्या बताओ उसमें। बहुत क्यूरियोसिटी है, डोंट नो हाउ व्हाट इट इज। ओके तो ये आप देखो, आपको ज्यादा समझेगा नहीं कुछ, पर ठीक है। एक्चुअली सच बोलो कि डिंपल मैं भूल गया हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, क्यों बनाया था। उस समय क्या होता है, फॉर्म सामने रहता है ना, वी डिस्कस एंड आई गिव देम अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सजेशन, वो हिसाब से बन जाता है, फिर मैं भूल जाता हूँ ना, मेरे को मैं हर रोज दो तीन कार्ड एनालिसिस करते रहता हूँ ना। नहीं ठीक है, पर ये देख के आपको क्या, आप क्या एनालाइज करोगे उतना बता दोगे तो भी मेरे लिए। अरे पैसा ही पैसा है, देखो अभी कितना मजा आएगा आपको काम करने में, योर धंधा एकदम। एक्सक्यूज मी सर, रैंडम, हाँ बोलो। पैसे को याद आया सुनकर के, ये जो रुपए का जो नया लोगो है उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। ये अच्छा नहीं है लोगो उतना, नहीं अच्छा। क्या है देखो, हाँ देखो आपको रीजन बताता हूँ इसमें अभी। हाँ, देखो हाँ। इसमें क्या हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन का जो प्लानिंग है वो भी अच्छा है, थॉट अच्छा, प्लानिंग अच्छा, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो देखो उसमें वो क्रॉसबर नहीं आ रहा है। दूसरा अगर आप इसको र समझते हो, र तो र ये खुद को कट कर रहा है, खुद को कट रहा है मतलब ही इज नॉट सैटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। देखो जब से रुपए का सिंबल लॉन्च हुआ है तब से वी आर मोर विलिंग टू बाय अदर चाइनीज प्रोडक्ट और जापानीज प्रोडक्ट और दोस मोर कमिंग ओवर हियर, कट हुआ है क्योंकि नाउ वी आर मोर, वी आर नॉट हैप्पी विद आवरसेल्फ, वी आर हैप्पी विद अदर पीपल, तो ये है ना। अगर आप इसको इंग्लिश का र पकड़ते हो तो उसका जो सपोर्ट है वो नहीं है, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए था, इंडियन इकोनॉमी से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था इंडियन इंडिया को, वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका खुद का सपोर्ट इसके साथ नहीं है। दोनों जगह पे ये क्रॉसिंग गलत जगह पे होने के कारण ये तकलीफ जाने वाला है। पर सर वी हैव पुट दिस इन द लोगो देन, अरे तो तुम इंडिया में काम करने वाले हो ना, तो यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट माइंडसेट। ओके तो आप अमेरिका में काम करोगे तो आपको डॉलर में पैसे देंगे ना लोग, तो आपको बाय डिफॉल्ट यू आर पार्ट ऑफ दैट माइंडसेट। Okay. And by the way, I discussed this, dollar is not good money. Okay. Dollar brings unhappiness in your life. So, dollar mein bhi cutting hai. Khud ko cut kar raha hai, correct hai. Sir, the other day I had put this question, ye dollar wala. And maine unse, I had wapas unse maine clarify kiya that the relationship issues which you told me, which I said ki upar se to it looks good, actually they are having relationship issues in the family, so I had taken their concern, I mean this analysis with them. Awesome, that is, thank you very much for confirming that. Thank you sir. Kis mein tha wo, wristwatch mein? Wristwatch, haan ji, haan ji sir. Theek, not an issue. So dekho abhi ye dekho branding hub Samrat ji ka hai. Okay, तो क्या अभी देखो, अभी सब लोग एनालिसिस करो प्लीज, एक एक थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट बताओ, मैं भी बताऊंगा आप भी बताओ। तीनों के तीनों जो द ब्रांडिंग हब है वो तीनों के बेस कटे हुए हैं। ऑसम, क्या हो जाएगा उनके साथ, क्या हो जाएगा फिर उनके साथ, क्या होगा ये एग्जीक्यूशन उनका थोड़ा वो रहेगा, स्लो रहेगा मोमेंट उनका। वेरी नाइस, डिलीवरी नहीं होती होगी, मतलब जो होना चाहिए एग्जीक्यूट जैसे होना चाहिए, जिस तरह से कम्प्लीट होना चाहिए वो शायद नहीं होता होगा। तो इनको हमेशा जब लास्ट इनका पेमेंट लेना रहता है वो पेमेंट उनका अड़क जाता रहेगा। ओके, एक्चुअल यू आर राइट, बहुत सारे पेमेंट अटके रहते हैं, यू आर राइट। लास्ट में उनका पेमेंट, और कुछ कारण नहीं है पर ये मांग ही नहीं पाएंगे लास्ट का पेमेंट। एक्चुअल यू आर राइट, गाय खा जाती है। सी अपने को लगता है ऐसा सच में होता है क्या? देखो सच में होता है।
एक्चुअल काम बहुत बढ़िया होता है, शुरुआत से एंड तक एकदम बढ़िया होता है, पीपल लाइक द डिजाइन एंड आई थिंक ओवरऑल सर्विस एंड ऑल दोस थिंग, लेकिन लास्ट में आके आप जैसे बोल रहे वैसे कि पेमेंट नहीं आते जल्दी से, अटक जाता है कहीं ना कहीं। जो ब्रांडिंग है वो सेंटर में है जो कि हार्ट स्पेस होता है और वो बड़ा भी है, काफी लॉन्ग भी है, तो कम्युनिकेशन का जो भी होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं अभी इसमें क्या हो जाएगा इनका, ये दिस पीपल आर वेरी गुड विद द कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर, तो कम्युनिकेशन में ये बहुत प्यारे 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 मतलब अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से सब होता है। अब इनका जो इश्यू होता है कम्युनिकेशन में ये होता है कि जहाँ पे दो दिन में काम खत्म होना चाहिए था कम्युनिकेशन का मतलब रिक्वायरमेंट लेन देन का, उसको 7 दिन लगता हो जाता है। यस और नो? पार्डन थोड़ा ब्रेक हो गया वॉइस, क्या बोल रहे हो आप? मैं बोला था कि आपका अगर आपसे उस आदमी से बात करके 2 दिन में काम खत्म होना चाहिए तो इसको लिए आपको लगेंगे 7-8 दिन। या यू आर राइट, परफेक्ट। क्योंकि क्या इसमें देखो बैलेंस किस में है, इसमें इसमें तीन है, इसमें तीन है, तो ये बैलेंस हो गया, ऊपर मिडल जोन इलोंगेटेड हो गया, जोन अननेसेसरी समय ज्यादा जाएगा। सम्राट जी राइट पैर में लगा है क्या, राइट पैर का तकलीफ है क्या कुछ? पीठ में है, पीठ में है। राइट साइड? नो, लोअर साइड, L1, L2 एरिया। अच्छा, घर में किसको है फिर राइट पैर में तकलीफ? नहीं किसी को तो है नहीं वैसे। तो इसमें वो होने की संभावना ज्यादा है जिसमें दिख रही है ना। ओके, पैर की पैर में मोस्टली टैटू ऑन द राइट हैंड साइड। बट माय वाइफ हैज सम प्रॉब्लम इन द राइट साइड आफ्टर द एक्सीडेंट। वो बोलो ना इससे, बताओ ना इससे। हाँ बोलो। घुटने में प्रॉब्लम है, राइट? अच्छा, ग्रेट सर। इज इट दैट जो इन्होंने अपना नाम लिखा है दैट इज ऑल इन स्मॉल लेटर्स, सो नाउ वी सी वी डज इट दैट मेक अनदर डिफरेंस? हियर वी विल नॉट डिस्कस द ग्राफोलॉजी पार्ट। नो, नॉट ग्राफोलॉजी, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कार्ड, विल दैट मैटर? एवरीथिंग मैटर्स। दो तीन दिन लगेंगे। हाँ मतलब वो कौन से पैर में प्रॉब्लम जाएगा, कौन बिजनेस के कौन से एरिया में प्रॉब्लम जाएगा, किधर अटकेगा, वो सब भी समझ में आता है। और इसमें थोड़ा आदत लगता है, थोड़ा इसको कंसेप्चुअली समझना पड़ता है वायर में। बट अभी और क्या एनालिसिस आप लोग और क्या एनालिसिस कर पाओगे जो कि इससे देखो, बाकी कुछ मत देखो। बाकी कलर इनका ब्लू है तो ब्लू नहीं ब्लैक है, ब्लैक ही, ग्रे डार्क ग्रे एंड ग्रीन। और ओके चलो सर, ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये ब्लू होता, फर्ज कीजिए, चलो अभी इनका एनालिसिस करो ना, ये सामने बैठे ना, अपने को मजा आएगा, अपने को सीखने को मिलेगा। ओके, तो ग्रे कलर के बारे में पता नहीं है ना सर इसकी। ओके अंजना बोलो कुछ इसके बारे में, अंजना से समथिंग अबाउट दिस। अंजना आर यू देयर? अंजना, अंजलि, संजय, कुणाल, गणेश? यस सुधीर, आई एम देयर। अंजलि बोलो ना कुछ। ये ग्रीन कलर की वजह से शायद ही वांट टू मेंटेन द हार्मोनियस थिंग। ग्रे ग्रे, यू आर स्पीकिंग ग्रे। अच्छा ग्रे का, हां क्या बोलेंगे इसको, ये ऊपर ग्रे जा रहा है। अथॉरिटी है ग्रे में, अथॉरिटी कहां आएगा, ग्रे है ना, इट्स नॉट अ सिल्वर, इट्स अ ग्रे। ग्रे मतलब विथड्रॉन। ओके, तो इनका क्या होगा, देखो अभी आप सभी लोग सोचो, थोड़ा बताओ मेरे को, मतलब मेरे को इंपेशियंस हो जाता है, बट यू थिंक एंड टेल मी। सो मे बी इज आई मीन ग्रोइंग इन बिजनेस बट ही डजंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट। नहीं ऐसा एनालिसिस दो ना, ये जजमेंट मत दो। ही वांट्स टू स्पेस फॉर थिंकिंग और टेक टाइम फॉर डिसीजन। ओके, और कोई है क्या, और किसी को देना है इनपुट? Analysis like this, that while thinking at the end, they kind of withdraw, they don't communicate, and similarly even execution, at the last minute they don't close it, they kind of withdraw. Very nice. So Samrat ji, jo pura ka pura focus hai business ka, wo communication mein rakha hai inhone.
इधर भी जो कर ले ग्रे यूज किया, ग्रे मतलब वापस से आदमी जो विड्रॉन है, इन्वॉल्व नहीं है, है ना। तो इधर वो है, ये चाहते हैं, सोचते हैं कि इनके एक्सपर्टिस से इनको काम मिल जाएगा, और ये सोचते हैं कि इनके एक्सपर्टिस से खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका जो ज्यादा से ज्यादा फोकस है वो है कम्युनिकेशन पे। तो उनको लगता है कि कम्युनिकेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है बिजनेस के। यस, यू कैन कंफर्म। यप सर, प्रेजेंटेशन भी इसी में आएगा, तभी हम आज यदि हम बैठे हैं तो फिर सम्राट जी की वजह से ही बैठे हैं ना। नहीं नहीं, इट वॉज प्लान्ड, दिस सेशन वाज प्लान्ड ऑलरेडी। ओके सर, आई वाज जस्ट वेटिंग फ्यू पीपल टू ज्वाइन, मतलब सम्राट जी ने मैसेज डाला, मेरे को ध्यान में आएगा, उनको मैंने ग्रुप में एड नहीं किया है। I had said him कि अरे काम वैसे भी अच्छा हुआ आपने मैसेज डाला। तो सी क्या हुआ, बीच में मैंने एक दो बार मैंने लिया था इस तरह का सेशन, बट nobody was working behind the scene, मतलब कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा था, तो मैं करूंगा क्या ना ऐसा सेशन लगे। तो now he has done some work, चलो ये add on हो गया, अच्छा हो गया। अभी देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्रे आ गया तो उसमें भी पावर कम हो गया, तो सोच इनके पास इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, he will be honest with us now, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी he has not been able to put that much of thought behind his creation. Am I right or wrong? Right, you are right. Because यहाँ पे color grey है, यहाँ पे color कोई भी दूसरा होता तो वो अपनी पूरी ऊर्जा को use कर पाते थे। Similar क्या हो रहा है, communication बहुत हो रहा है पर execution में वापस energy कम हो रहा है ना? Correct. तो वो color का problem है वो। देखो कैसा मस्त लगता है ना कटिंग करने को, लेकिन इसका प्रॉब्लम समझो तो कैसा मजा आता है क्या सर? सर, डज दैट मीन ग्रे कलर इज नॉट गुड? नो, इट इज डजंट मीन दैट ग्रे इज नॉट गुड। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग द बिजनेस। ओके, व्हाई दिस इज नॉट गुड हियर इन दिस केस? ही इज अ काइंड ऑफ सोलोप्रीनर। कितने लोग हैं सर आपके पास काम के लिए? Actually, I'm working alone because I am alone. Solo. My surname is also alone. देखो अपना surname literally मतलब हर कोई. No, I don't mean. वो इसी चक्कर में DVD और 3VD दो-दो तीन-तीन बच्चों को लेके घूम रहे. I'm just joking. Okay. तो ये जो है वो solopreneur है. तो solopreneur के चक्कर में ये कम्युनिकेशन ही ज्यादा हो रहा है, इसमें ये इतना नहीं काम कर पा। अब अगर इनको धंधा बढ़ाना है तो पहला चीज क्या करना पड़ेगा आपको, पहला इनका स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा, इनका वीकनेस को समझना पड़ेगा, फिर ये धंधे बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे में इनको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा वो समझना पड़ेगा, और वो अगर आप इनको चीज देते हो तो उनका धंधा अच्छा चलेगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो इट्स दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, उसके लिए बहुत मजा आता है। वो इट्स लाइक इट्स अ डिटेक्टिव, जासूस बन के काम करना पड़ता है, ऐसा सब पैरामीटर्स को रखना पड़ता है, फिर हर एक ट्री को समझना पड़ता है कि ये बिजनेस ऐसा है, फिर ऐसा होगा तो फिर ये होगा, तो ये चलेगा क्या इनको, इन दैट वे इट हैज टू गो। ग्रेट, एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस? कोई कुछ बोलना चाहता है और कुछ? इवन वो कार्ड पे कौन सी जगह पे रखा है उस, वो भी दिस आल्सो पार्ट ऑफ लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ लेवल 3 पोजीशनिंग। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ लेवल 3 जहां पे हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सी कंडीशन पे कौन सा लोगो कहां पे रखो ताकि उसको उस इंसान को अच्छा फायदा हो। तो कई बार जो मैंने आपको आपका एनालिसिस करके भेजा था ना, वो मोस्टली लेवल 3 और लेवल 4 का एनालिसिस था, इसलिए अभी भी आपको कई सारी चीजें नहीं समझ रही उसमें की। या एक्चुअली करेक्ट है, लेवल 3 और लेवल 4 का एनालिसिस है वो। इवन आई डोंट हैव एक्चुअल सिंबल, राइट? दिस लोगो इज मेड बाय टाइपोग्राफी ओनली, राइट? वेरी ट्रू। सो वी डोंट हैव सिंबल, सो इज देयर एनीथिंग अबाउट द सिंबल एंड ग्राफोलॉजी ओनली, आई मीन टाइपोलॉजी ओनली? या अगर आपका सिंबल नहीं है ना, तो यू विल हैव टू बी present all the time for all kind of business. तो काम ही नहीं होगा। Correct. तो वो इसका meaning ही होता है। Great. Right. चलो let's move ahead. ये इनका समझते हैं। download करके देखना पड़ेगा इनको।
इनका बोलो, अभी उमेश जी का आपका सेम सेम हो गया है ना, इनका भी लिखावट है, आपका भी लिखावट था। या 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 लोगो नहीं है सर, मेरा बैक साइड में लोगो है, बैक साइड वाले कार्ड में लोगो पर है, बैक साइड वाला एक और भी कार्ड है, मींस उसमें राउंड आप देखेंगे नेक्स्ट। ये लोगो है आपका? हाँ ये वाला, ये जो राउंड है वो राउंड 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 मोशन, हाँ ये वाला ना, ये लोगो है ना। हाँ अरे वाह, क्या पता चलता है आपको इसके, इस लोगो को देख के आपको सबको? कौन बोलेगा? क्या आप सब लोगों ने ग्राफोलॉजी किया होता तो बहुत सारी चीजें। फाइव एलिमेंट्स आया है इसमें, फाइव एलिमेंट्स है। नहीं एनालिसिस बोलो ना, क्या एनालिसिस होगा इसका? सभी लोगों ने ग्राफोलॉजी सीखा होता तो बहुत सारी डिस्कशन हो जाती। Person want to unique, want to work on unlimited growth. क्या बात है, awesome, awesome, very nice, good work. Kunal, can you repeat for other people? Yeah. अरे धीरे-धीरे बोलो. Person want unique. Person wants uniqueness, unique. Want in logo. अलग-अलग कुछ करने की इच्छा है, unique करने की इच्छा है, वो person wants to be unique. First, second. बोलो. Want own work. कुछ अलग करना चाहता है, पर्सन कुछ अलग करना चाहता है, खुद से करना चाहता है, इसीलिए ग्रोथ लिमिटेड रह जाती है उसकी। ओके, सिंगल सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्ट रहता है, ग्रोथ लिमिटेड है, सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्ट है, एक प्रोजेक्ट पे ज्यादा वक्त बिताते हैं, जरूरत से ज्यादा वक्त एक ही प्रोजेक्ट में रहते हैं, बहुत डिप में जाते हैं, इतना ज्यादा कि उनके घर पे फिर खाना जाना आना जाना सब इनका चालू हो जाता है, जिनका घर का वास्तु करते हैं, है ना, कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। हां क्या बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं ना आपके, जिनका आप वास्तु करते हो, am I right or wrong? Yes, 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 yes. ये बहुत मेरा एक्चुअली मेरा जो मेरे क्लाइंट है वो मेरे ग्रुप के ही है, मैं यूं कहूं तो चले, मैंने कभी इतना बाहर से क्लाइंट उठाया नहीं या किसी और एडवर्टाइजमेंट और किसी और मीडिया से मैंने क्लाइंट नहीं लिए, जो भी है वो। हाँ। तो ग्रुप नहीं है। ये देखो ये ऐसा बराबर है, तो ये जो अंदर का सर्कल है ना तो बहुत बड़ा हो गया, तो इस कारण इनका जो समय बिताने का तरीका है एक ही जगह पे वो बढ़ गया, तो एक ऐसी इनकी कुछ फिक्स जगह है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा देर रहते और बार बार जाते और उधर ज्यादा देर रहते, जैसे ओशो आश्रम हो गया, हो सकता है आई डोंट नो, बट ऐसे बार बार जाके रुकेंगे वो, क्योंकि ये ज्यादा समय बिता रहे एक ही जगह। यस गॉट इट, है ऐसी जगह एक। हाँ हाँ, हम ज्यादा क्यूरियस नहीं है, इफ यू वांट टू टेल यू कैन टेल। नहीं नहीं हमारा मेरा जिनके साथ मैं काम करता हूँ, हमारी शेयरिंग होती है, ज्यादा टाइम मैं जिनके साथ बिताता हूँ, हम 3-4 घंटे हम उनके साथ ही मैं रहता हूँ, उनके घर पे या ऑफिस पे और इस तरीके से, क्योंकि हम मेरी और हाँ उनकी ग्रोथ साथ में हो रही है, हम साथ ही काम कर रहे हैं, तो मेरा उनके साथ टाइम ज्यादा बीतता है। तो ये ऐसा इनका, इसके लोगों का ऐसा एनालिसिस हो जाता है। फिर अभी अगर उनका कार्ड का दूसरा साइड देखे हम लोग, तो दूसरा साइड जो है कहाँ गया वो, ठीक है वापस मैं देखा था उसमें, ओके तो इसमें अभी आपको दिखेगा, ऐसे रखता हूँ मैं दादा, ये नहीं करता हूँ, तो इसमें आपको क्या दिखता है देखो, अगर गर्दन सीधी रखेंगे तो भी दिखेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, यू डोंट हैव टू टिल्ट एवरीवन, यू कैन एनालाइज दैट नो, क्या दिखता है आपको अभी इसमें? सही, टेक्स टाइम टू इन द स्टार्टिंग, हां शुरुआत में वक्त लग जाता है, वेरी नाइस। और ये देखो अभी ये ग्राफोलॉजी का कांसेप्ट है इसमें, है ना, काफी सारे, तो we will not go into that, we will understand. That's what I was saying. हाँ, graphology के, क्योंकि जैसे ही typography आ जाता है, graphology के बहुत सारे concept आप use कर सकते हैं।
तो अपना ना एक अलग से वर्कशॉप रखेंगे जहाँ पे ग्राफोलॉजी के तहत इसको अपन एनालिसिस करेंगे सभी चीजों को, तो यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट लोगोज एज़ वेल। ठीक है, नाउ इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या चीज है जो आपने नहीं देखी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखो ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर डॉट है वो आदमी को दर्शाता है। मैं राइट और रॉन्ग उमेश जी, बराबर ना? यस उमेश जी, अरे जिनका एनालिसिस कर रहे वही गायब हो गए। तो आप पढ़ाई करोगे तो कुछ जल्दी समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये अभी ह्यूमन दिखाया उन्होंने, ह्यूमन, ठीक है, बट ये ह्यूमन ना एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बात नहीं कर रहा है, बट ह्यूमन है। तो ये जो है इनके मन में कई ख्याल आते हैं कि कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन है, ये मददशील है, पर ये बहुत कैलकुलेट करके सही जगह पे ही मदद करने की कोशिश करते हैं। किसी को भी पैसे कभी भी नहीं देंगे जहां पे सच में उनको लगेगा कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, देन ओनली ही विल गो एंड हेल्प देम आउट, बट ही हैज अ हेल्पिंग नेचर ऑल द टाइम। एम आई राइट और रॉन्ग उमेश जी? यस। तो ये इसमें एक्सप्रेशन ना होने की वजह से वो सोच बहुत है, एक्सप्रेशन तभी आता है जब उनको सब चीजें जुड़ के आती है। इनके कई जगह फिक्स जगह पे तो वो दान धर्म करते रहते, लेकिन अलग से अगर करना है तो ही टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यस हाँ हाँ बिल्कुल, मैं करता ही नहीं हूँ, और मतलब जहाँ मेरा तुझे ठीक लगता है मैं वहीं करता हूँ। जहाँ पे कर रहे वहाँ पे रेगुलर कर रहे, वहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, बट दूसरी किसी जगह के लिए देयर इज नो एक्सप्रेशन। बट ये ह्यूमन है, इनको प्यार समझता है, उनको गुस्सा समझता है, सामने वाले का दर्द समझता है, और किसी भी इंसान को काटते नहीं है, मतलब ज्यादा पैसा चार्ज नहीं करते जरूर से, है ना, ये ह्यूमन है। बट एट द सेम टाइम एक्सप्रेशन इज वेरी लेस, तो जहाँ पे उनके रूल्स फिक्स है वहीं पे होगा, बाकी जगह पे नहीं जाएगा। तो ये इसका मीनिंग वो होता है अगर आप ह्यूमन फॉर्म यूज करते हो लोगों में। तो सर इसमें ह्यूमन फेस कैसा दिख रहा है मुझे, आई एम नॉट स्टिल क्लियर। नहीं दिख रहा है ना, ये उन्होंने बनाया ना ये फिगर, ये जो स्टाइल है ना वो ह्यूमन दिखाने के लिए किया है। Is it, उमेश जी आपने ये ह्यूमन बनाया है? नहीं नहीं हमने नहीं बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया था हमने अप्रूव्ड किया था। अब ये सबकॉन्शियस मैं कह सकता हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इसको अलाउ किया, हमने उसको एक ह्यूमन की तरफ, हमने कॉन्शियसली इसको नहीं लिया लेकिन हमने इसको अप्रूव किया। और अगर सर कह रहे हैं तो मे बी अगर वो ऐसी उनमें झलक उनको दिखाई दे रही है तो एनालिसिस, बाकी हमने उसे उस तरीके से बनवाया नहीं था ना, हमें उसका वो है आइडिया। सर ये येलो है तो ही इज क्वाइट होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक वैसे ऑल द टाइम। ऑरेंज ही से ज्यादातर मजा करने में मजा आएगा, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, केयरफुल है, कई काफी सारे आर्टिस्ट इनके ग्रुप में, काफी सारे आर्टिस्ट उनके अच्छे फ्रेंड्स है, ये आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, इनको आर्ट समझता है। Am I right or wrong? हाँ मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ ना वैसे तो, तो ये सारी चीजें और इस तरह के ग्रुप में है ही मेरे पास, मतलब जो भी है फ्रेंड। Sir, what about the two lines which is drawn on both the sides? बाकी लोग बोलो क्या क्या हो सकता है इसका एनालिसिस, the lines which has drawn on both the sides. Sir, can you repeat the question? These two planning. Lines. Planning is good. Strong plan. Is it like full stop, sir? Like the way we have in a signature full stop? Yeah. It can be treated as in that way as well. Yeah, it can be treated in that way as well. So it become. It says that he's very particular about the way he does his work. It's not like that. It's like what we discussed in signatures, if you remember. What it says in signature? If the person puts a full stop at the end, he's at the end. No, so it's both sides. Not at the end of the line. Full stop in the signature. What is? Okay, he's creating a barrier between him and the world. Ah, so from. So, or we can say that if he's moving with a restricted mindset also. Yes. Okay. So barrier की वजह से काम किधर से मिलेगा?
known circle. You got it. So ये सब सिग्नेचर के जरा फंडे हैं काफी सारे, जहां पे भी आपका टाइपोग्राफी आ गया उसमें सिग्नेचर का फंडे आ जाएंगे, बहुत सारे सिग्नेचर ग्राफोलॉजी के जो प्रिंसिपल उनको यूज करना पड़ेगा। और इसमें नीचे से सॉल्यूशंस में जो अल्फाबेट है उनमें गैप काफी ज्यादा है, मींस जो सबसे जो नहीं तो उसको किस तरह से देखेंगे बताएंगे सर प्लीज। चलो अभी ये इस बार बता देता हूँ, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्राफोलॉजी। आई गेस यू ऑल शुड गो फॉर इट, जिन्होंने ग्राफोलॉजी नहीं किया हुआ है कोर्स है उसको करो आप, तो आपका ये जो टाइपोग्राफी का नॉलेज जो है ना कैसा यूज करना चाहिए, क्या मीनिंग होता है, तो वो सब में आएगा। तो जब ये सॉल्यूशंस के बाद में ये जो गैप्स है इसमें ऐसा है कि जिस आपका जो ये इम्प्लीमेंटेशन है सॉल्यूशन का वो बहुत अच्छा करते हो, मतलब बहुत यूनिक तरह का आप सॉल्यूशन देते हो, बहुत ट्रेडिशनल हो या जो भी आपने सीखा है उसकी तरह से नहीं जाते हो। यू ट्राई टू स्पेंड टाइम विद द इम्प्लीमेंटेशन, आप रुकते हो, सोचते हो, हर एक छोटी छोटी चीज को कंसिडर करते हो। जनरली आपका जो टेक्निकलिटी है, टेक्निकल जो चीज है वो सोचने में भी गलत नहीं होता है, टेक्निकली यू आर ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, वो इसमें से देखता है, वो इसमें से। ओके ओके ओके। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर डन द लोगो, गो फॉर द ग्राफोलॉजी एज वेल, ग्राफोलॉजी कंप्लीट करो तो अपना ये जो डिस्कशन होगा ना और मजा आएगा, क्योंकि मैं काफी कंसेप्ट को खोल नहीं पाता या बोल नहीं पाता उसके बारे में और ज्यादा डेप्थ नहीं जाता, क्योंकि फिर वो उसका पार्ट है, उसको सिखाने के लिए अलग से टाइम लगेगा, ऐसा है ना। ये आरटीसी लॉजिस्टिक है, इनका काफी सारी चीजें चेंज हो गया अभी, और जब इनका फाइनल देंगे, अभी ये टेंटेटिवली फाइनल है, जब कार्ड पे जाएगा तो थोड़ा सा अलग दिखेगा और, बट ठीक है, किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोलने वाला। सर इंप्लीमेंट करते हो थोड़ा सा, हाँ दिस इज अ कंपास, ओके कंपास, कंपास हाँ कंपास है, डायरेक्शन है, उसके बाद ये अंदर का ट्रायंगल है। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया आप लोगों को, ये दिस ट्रायंगल विल बी अ काइंड ऑफ फायर, ये ऊपरी तरफ जाता है ना, ये तो फायर, जब आग ऊपर की तरफ जाता है तो फायर की तरह ऐसे ऊपर जाता है, तो वो अपवर्ड ट्रायंगल मींस फायर, डाउनवर्ड ट्रायंगल जो है वो पानी जब डालते हो तो कैसे वो ऐसे आता है ना, या फिर बहता है तो ऐसे बहता है, तो वो डाउनवर्ड ट्रायंगल मींस द वाटर, अपवर्ड इज फायर, डाउनवर्ड इज वाटर। और जो अपना साइडवेज था ना, जैसे इसमें था, किसमें एचएसबीसी में, दैट इज फॉर एयर, That is for air. जो sideways मुद्दा होता है ना, मैं दिखा तो आपको HSBC का discuss किया था, देखो अपन ने। हाँ। That is for left side या right side? Both, both. Fire moves in both ways. कौन सा फिर air में आएगा? Both. अच्छा। Fire का काम क्या है? बहना। Sorry ये अपना वो हवा कहीं पे भी जाएगा ना, left में भी जाएगा, right में भी जाएगा। तो both जो है वो air में जाता है उसमें। तो जो arrow है वो air है क्या? नहीं आपके इसमें तो this is a fire symbol. ये देखो इसमें जो है ना अलग अलग तरह के एरोज़ देखो, तो ये एयर में कंसीडर होते हैं, दिस इज फायर, दिस इज वाटर, दिस टू थिंग्स आर एयर। चाइनीज लोगों का लोगो है वो, तो ऐसा। और स्क्वायर का मतलब होता है अर्थ, स्क्वायर इज अर्थ एलिमेंट, अगर आपको लोगों में अर्थ दिखता है, मतलब स्क्वायर दिखता है तो अर्थ एलिमेंट में कंसिडर किया जाता है। और जो जो सर्कल है वो आकाश तत्व होता है। सर व्हाई इज देयर अ गैप इन बिटवीन द सर्कल लाइक इंटरमिटेंट एंड देन एन एरो, कहां पे, यहां पे, ये बाहर आउटर सर्कल में, हां दिस गैप, वेयर दिस गैप ऑन द आउटर लाइन, और आउटर लाइन जिसमें अपने ग्रे ग्रे कलर का है, ग्रे कलर के दैट इज द डिजाइनर्स पार्ट, नो इट हैज टू लुक गुड, नो एल्स गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव। ओके लेकिन ये चारों तरफ से इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे, चारों तरफ से खुला हुआ है, ओपन है, नहीं इसको हमने
इसमें ग्रे लाइन है, ग्रे लाइन है व्हिच इज कंप्लीटिंग, सिल्वर दिया हुआ है सिल्वर, हां व्हिच इज कंप्लीटिंग इट. ओके ओके ओके. और सर ये जो 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 शार्प स्ट्रक्चर्स दिया है चारों तरफ से, व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग? जो आप समझो, मतलब आई विल टेल यू एवरीथिंग आफ्टर 6 मंथ वंस यू एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज़ दैट इज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव डन विदाउट टेलिंग यू. तो आपको जो अभी दिख रहा है वो बोल सकते हो, यू कैन, यू गाइस कैन एनालाइज इफ यू वांट. यूनिकनेस, दे वांट टू डू समथिंग यूनिकनेस, ओपन फॉर आइडियाज. नो इट इज नॉट ओपन, इट इज नॉट ओपन, इट इज क्लोज्ड. अरे करने दो ना एनालिसिस, करेक्ट रॉन्ग बाद में बोलो ना, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. लॉजिस्टिक बिजनेस है तो सब दिशा में उनका अच्छा बिजनेस जाएगा एंड बिजनेस इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन. डिवाइन एनर्जी भी मिलेगी और बिजनेस मनी वाइज बिजनेस अच्छा रहेगा उनका. बहुत एनालिटिकल अप्रोच है. अभी अंजलि को पेड़े वेड़े खिला दो, बहुत अच्छा अच्छा बोला आपके पास. अंजलि थैंक यू, आई फील सो गुड. ये लोगो है वो नीचे से पॉइंट आउट है, जैसे स्विगी है तो लॉजिस्टिक का बिजनेस है, मेरे से उसमें डिलीवरी और वो भी सारा बहुत फास्ट होगा. They're also very analytical approach towards things like. All directions they are fast. The so logistics means like all directions, and there is fire element, so that maybe the movement or transformation is fast. And compass hai, so divine direction is always there. And there is something like distinct. There are two circles, right? One inside another. So they got something that is unique in the inner circle and something that is in the outer circle. देखो सब लोग तो अच्छा बोल रहे हो, क्या आपको प्रॉब्लम है यार अंजना? इज इट लाइक थ्रू इन, बताओ सर. सर जो इनर सर्कल है, सर जो आउटर सर्कल वाले भी अटैच होंगे. सर जो इनर सर्कल है दैट इज गिविंग अ वेरी डेप्थ काइंड ऑफ अ फीलिंग व्हेन यू सी द लोगो. सो इज इट दैट एट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड द इन डेप्थ ऑफ द कंपनी इज रियली स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, लाइक सो इज इट दैट वे? नहीं ऐसे ऐसे नहीं सर. मैं बताऊं सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्ट, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव कोऑर्डिनेट द कस्टमर. हेलो, हाँ बोलो ना. बोलिए. हाँ, कस्टमर के साथ सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्ट है. कंपनी एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा हार्श हो सकती है, पॉलिसी वगैरह थोड़ी स्ट्रिक्ट है कंपनी के, फिर भी एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाते. एंड मनी लीकेज का भी सर थोड़ा सा दिख रहा है. अंजना ये सच नहीं है, डोंट वरी. ये सही था. We'll move on to the next. ये कौन है? Sir, I want my also to be analyzed this way by others. अरे कोई बोल नहीं पाएगा कुछ, मैं देखा तो ना आपका, मैं कैसे करूंगा ना, तो nobody will be able to say anything. Sir, this was mine. बोलो अभी क्या बोलेंगे इसके बारे में? Nobody will be able to say anything. Implementation is good. Sir, sir, what I can see is tokri mein paisa aa raha hai. Aur paisa garbh mein chala gaya aur phas gaya, ab nikalne ka naam nahi le raha hai. Means paisa hi paisa. Daily ka kaam hota rahega loan ke bare mein. Aap use karo is naam ke andar. Dimple. Dimple. Use karo and say 6 महीने के बाद वापस बोलो मेरे को क्या हुआ. You know, it's a very very powerful logo. आपको बहुत क्यों? ये तो बहुत पहले बनाया हुआ है ना डिम्पल का. ये डिम्पल दो तीन महीने पहले बनाया ना ये तो. दो महीना, हाँ दो महीना हो गया. यूज करेंगे तो होगा ना, फिर कुछ यूज नहीं करेंगे. लॉकडाउन आ गया. डिम्पल अपने आपका नाम चेंज किया है क्या? स्पेलिंग वंदन आपका है? यस सर.
चलो कंपनी चल रहा है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन क्या मतलब योर फादर इन लॉ वाज रिच समथिंग लाइक दैट या वे बैक हां वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस कंपनी अराउंड 1.5 इयर्स बैक मी एंड माय हस्बैंड सो वो दिख रहा है इसमें फादर इन लॉ के बारे में दिख रहा था ठीक है How come? Level 3, level 4. So, but... is it because of the red dot in between? You must change this logo. This is logo. Not a very healthy logo. Okay. Yes. Not very healthy. Kis, kya chiz karte ho ab? We are into corporate gifting. Okay. Corporate gifting ni karte ho... पहचान अच्छा है पहचान का इश्यू नहीं है कन्वर्जन में तकलीफ जाएगा ऑर्डर कन्वर्जन नहीं होगा जल्दी और आपको डेबिट्स बहुत सहन करना पड़ेगा कंपनियों का दिस चांस दैट यू माइट हैव टू हो रहा है ऑलरेडी ऐसा हां सर पैसे तो फंस रहे हैं यस 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 दैट इज अ चैलेंज वी विल चेंज इट देन सून यप ओके बाकी आप भी लोग दे सकते हो आपके अपने व्यूज हाँ सर सब लोग देंगे दो ना मैं तो मेरा बोल दिया सर ये वर्टिकल लाइंस है सो इट विल बी प्लानिंग इज इट अभी इसमें इशू क्या पता है क्या दिस इज अ टाइपोग्राफी अगेन ग्राफोलॉजी हैज टू बी कंबाइंड विद दिस है ना क्योंकि ये टाइपोग्राफी में अगेन एम दिखा रहे वो एम एम और आई दिखा रहे ना एम M है उसके बीच में I है am I right or wrong yes sir इसको ऐसा देख सकते हैं जो कलर है सर वो टेक्नोलॉजी का है जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी का कलर है लेकिन काम यदि गिफ्टिंग का है तो ये कलर में भी ऑरेंज होता तो ज्यादा और ठीक रहता अभी इसमें क्या है ना उमेश जी ये सोचना पड़ेगा कि इनका तरीका क्या है काम करने का और क्या बेचना चाहते हैं और कौन से क्लाइंट है ऑपरेशन उसके हिसाब से वी कैन चूज द कलर्स फादर इन लॉ को डायबिटीज भी है नो सर फिर किसको है घर में डायबिटीज समबडी हैज डायबिटीज सर नोबडी सर आपके फादर नो सर डायबिटीज नॉट इन माय फैमिली हां पूरा डायबिटिक टेंडेंसीज दिख रहा है शुगर किसी का बढ़ा था इस बीच में कभी नहीं सर बीपी रहेगा फिर ना ऐसे कुछ भी मत फेंको यार तुम बीपी है नहीं बट मैंने बोला ना बीपी है मैं बोल रही हूँ ना बीपी है ठीक हमारा भी इंट्यूशन चलता है सुधीर जी नहीं इंट्यूशन नहीं अपना तो मेरे पास तो सिर्फ लॉजिक है आई ऑलवेज टीच व्हाट आई कैन एनालाइज एंड आई ऑलवेज एनालाइज व्हाट आई कैन टीच सो आई नेवर से कि मेरे को इंट्यूशन आया मैं जो भी बोलूंगा उसका मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कहां से आया नहीं मैंने कलर देख के बताया मैंने कलर देख के बताया Great. बाकी लोग जो जो बोलना है बोलो we will move on to the next logo then. Red color है थोड़ा passionate भी रहेंगे aggressive भी रहेंगे aggressively भी market करेंगे चलो मैं इसका ना personal level पे आपको analysis करके भेजता हूँ है ना I will reveal some points which I am not telling right now. So, the gift from you again. yeah, I will give it. Okay, we'll move on. ये किसका है? Sir, ये one of my friends logo, which I could not analyze. I told you. इनका card भेजो ना. I will analyze the card as well. ये card ही है. ये कहाँ है विजिटिंग कार्ड इसका बाकी सब अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ. पूरा पूरा भेजो ना कार्ड फिर कार्ड है आपके पास पूरा स्क्रीनशॉट है तो हाँ ये उसके लोगो मतलब डीपी पे था तो मैंने उठा लिया डिवाइन माउंटेन्स टूर सेंटर इनकी तो वाट लगी ना अभी तो टूर सेंटर वाले हाँ. अगले दो साल के लिए धंधा नहीं है इनको फॉर नेक्स्ट टू इयर्स देयर इज नो बिजनेस इसको कैसे एनालाइज करेंगे ये पीछे क्या है पीछे सन है सन सन है पीछे
सन के बीच में ये है अपना माउंटेन माउंटेन नहीं है अपना पहला तो ये है बादल बादल है वो बादल क्लाउड्स है और क्लाउड्स के नीचे है माउंटेन है तो ह्यूज पोटेंशियल बहुत पैसा लगा है धंधे में ऑफिस बहुत बड़ा बनाया है सब कुछ अच्छा है लेकिन धंधा नहीं है जितना पैसा लगा उसके हिसाब से धंधा नहीं सब कुछ बड़ा है बढ़िया मतलब एवरीथिंग इज देयर सिस्टम इज देयर से आदमी भी अच्छा है कैपेबल है पहचान अच्छी है एवरीथिंग इज देयर एक्सेप्ट अ गुड बिजनेस am I right or wrong sir कुछ बिजनेस नहीं है पर ऑफिस बहुत अच्छा बनाया था ना ऑफिस बहुत शानदार बनाया था नहीं बट दे आर ऑपरेटिंग और हस्बैंड वाइफ दोनों ही कर रहे हैं तो घर के स्पेस में ही दे आर हां पर अच्छा बनाया था ना जो भी था स्ट्रक्चर ये वो जो भी रखा रहेगा आई डोंट नो यू यस आई मीन सिंस दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट प्लेस इटसेल्फ तो बहुत ऐसा ऑफिस जैसा तो कुछ नहीं है तो कितने दिन पहले बनाया था ये लोगों ये लोगों एटलीस्ट 1 ईयर अच्छा ठीक है मतलब इट्स वेरी शॉर्ट टाइम और उसके पहले क्या करते थे बिजनेस उसके पहले उनका फादर इन लॉ का ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था अच्छा तो वो ऑफिस का क्या हो गया फिर वो धंधे का बिजनेस वो उसमें से वो लोग मतलब भाई है तो अलग-अलग कर लिया है साहब अच्छा ये उतना अच्छा नहीं है लोगों इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स है ना पर वो इंसान जो है वो इंसान को घर पे काम करने को बड़ा मुश्किल जाएगा वो जो हस्बैंड है उसको आपके फ्रेंड का इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क फ्रॉम होम बाय द वे ओके पर पोटेंशियल बहुत है इंसान को नॉलेज अच्छा है समझ अच्छी है ही अंडरस्टैंड अलॉट थिंग्स एज़ वेल ओके ठीक है ठीक है तो आपको कुछ बोलना है तो बोलो बाकी लोग मतलब इट्स नथिंग मच टू एनालाइज ओवर हियर अंजना जी ये कॉर्पोरेट क्लाइंट ज्यादा उनका टारगेट था क्या कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए हाँ करते थे बट हाँ दे यूज्ड टू बट इतना ज्यादा नहीं होगा होता था हाँ नहीं होता था ऑल्दो दे यूज्ड टू टारगेट इतना नहीं था चलो अच्छा इतनी है अपने पास आज ठीक है तो आई होप वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस इसमें से बहुत पता चला हम लोग को आज और बिकॉज द क्लाइंट वॉज इन फ्रंट ऑफ अस तो इट ऑलवेज हेल्प्स जब क्लाइंट सामने रहेगा और लोगों का एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा आप अगर आप मिस्टेक्स भी करते हो then also you can learn out of it agar client samne nahi hai us samay pe utna zyada learning nahi hota hai sudhir ji mera logo dekhiye harsh dekho mujhko i don't have any problem are aapka typography mein aata hai na wapas these people will even you are not able to analyze your logo aapka typo nahi jo par sir i have aapka typo i have sent a लोगो टाइपोग्राफी के लोगो समझने के लिए ग्राफोलॉजी मस्ट है सर आई हैव सेंट अनदर लोगो ये किसका है सर आई हैव सेंट अ लोगो जस्ट नाउ ये किसका है पर ये सर मेरा वन और आपके पार्टनर मालवा का जन वंदना जी व्हाट इज दिस अबाउट वंदना व्हाट इज दिस सोलफुल जर्नी व्हाट इज दिस बिजनेस अबाउट This is actually about graphology and the other things which I am doing. So, बाकी लोग करो फिर मैं analysis करता हूँ मेरे पास भी है अच्छे points बोलने के लिए फिर मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी after you all do the analysis. चलो बोलो बाकी सब लोग सर इसमें भी humanity दिख रही है इनके लोगों में जो आपने मेरे कार्ड में कहा Very जो dot है और जो एक form उनकी वैसे सी आ रही है जैसे कोई इंसान बैठा हुआ है एक मैट्रिक्स हां करेक्ट वेरी नाइस और दूसरा पॉइंटेड है रेड कलर ज्यादा है फायर एलिमेंट एक्सेस है तो सर
सब ब्रॉड बेस है, पॉइंटेड थोड़ा नैरो टॉप है, तो प्रोसेसिंग अच्छा होता होगा इनका आइडियाज, और स्टेबिलिटी नीचे दिखाता है विच इज ब्रॉड. और रेड कलर है तो फेमिनाइन, दे मस्ट बी अट्रैक्टिंग मोर ऑफ फीमेल्स इन दिस बिजनेस. ओके व्हाट एल्स सम्राट जी, आप हो कि गए? ही इज लेफ्ट ओवर. अपने काम में मेहनत ज्यादा करते होंगे ये रेड कलर होने की वजह से, हार्ड वर्क कर रहे हैं. हाँ ओके अंजलि, फ्रॉम योर साइड इंट्यूशन वाले एनालिसिस. सुधीर जी, मेरा बिजनेस कार्ड आपने ही बनाया है लोगो, जिसमें इंट्यूशन डाला था आपने. हाँ ठीक है, आ रहा है अंजलि को बहुत. इसीलिए वही तो मैं बोल रही हूँ, क्रेडिट तो उनको ही जा रहा है. वो हाँ, वैसे वो इतने सारे कोर्सेज करती है ना कि फिर वो इधर का इधर इधर का उधर सब ऐसा चलते रहता है उसका. नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, नहीं मतलब रेफरेंस दे. अरे बाबा मैं बोला रेफरेंस ऑफ नॉलेज का, रेफरेंस का बात कर रहा हूँ कि यहाँ से भी रेफरेंस मिला नॉलेज का, उधर से भी रेफरेंस मिला. इधर का उधर नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेफरेंस की बात करो कि नॉलेज का रेफरेंस मिलता है. वो तो है, ग्राफोलॉजी का तो रेफरेंस मिलता ही है, ग्राफोलॉजी का मिलता है, न्यूमरोलॉजी का मिलता है, एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही है, कलर कॉम्बिनेशन, कलर थेरेपी का मिलता है. या वेरी ट्रू, बहुत है. So it is always good when you combine lot of sciences together. And that adds an edge. So kabhi bhi kya hota hai, it clicks because you know something extra of one color. Jo aapne numerology mein dekha ki red color wale logo ko ye problem jaati hai general. So red zyada use kiya to fir unhone wo bol diya, you know, ki blue color. Blue color kaun se number se associate hota hai, Anjali? Which is the blue color? Two number. Number two? Moon. Moon. Yes. Acha. Okay. तो फिर मून से रिलेटेड प्रॉब्लम बोल देंगे अगर वो किसने बहुत ज्यादा मून यूज किया है, मतलब ब्लू यूज किया है, तो फिर दिस पीपल विल बी मूडी. एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब आई डोंट नो अंजलि, एम आई राइट और रॉन्ग? एंड इमोशनल आल्सो आई बिलीव. या या हां इमोशनल. तो हम लोग ऐसे एक स्पेशल डे रखेंगे जहां पे अंजलि विल जस्ट एक्सप्लेन अस अबाउट द नंबर्स एंड द कलर्स इफ ही इज ओके विद इट. ओके अच्छा मस्त होगा फिर. हां तो हमको भी नया सीखने को मिलेगा. वी आर ओके विद एवरीथिंग व्हाट इज कमिंग. आपका प्रैक्टिस हो जाएगा है ना, एंड वी कैन गेट इट रिकॉर्डेड एज वेल, सो यू कैन हैव 5-6 वीडियोस फॉर योर यूट्यूब. ओके सो हाँ बोलो अंजलि, इसका कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? एक्सपेंशन दिख रहा है, अग्रेसिव है, मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है इनका बिकॉज ऑफ रेड कलर. ओके और किसी कुछ बोलना है? सम्राट जी अनम्यूट करके बोलो ना. हाँ सॉरी. अच्छा ऊपर एक डॉट है तो उसका, लेकिन वो सर्कल सर्कुलर डॉट नहीं, इट्स लाइक दबा हुआ. वेरी नाइस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. उसका मुझे मीनिंग पता नहीं है लेकिन ऑब्जर्व किया है मैंने. Very nice, good observation. So meaning बताता हूँ मैं. और कुछ बोलो, analysis बोलो आप. एक hollow space दिख रहा है मुझे इसके लोगों के बीच में. जैसे अगर suppose कोई लोगों से भरा हुआ रहता है, ये इस लोगों ने stroke से बनाया हुआ है. तो I don't know उसका meaning क्या है, लेकिन वो एक मुझे दिख रहा है, space है बीच में. सर observe तो हम भी कर सकते हैं, आप analysis बोलो ना. नहीं ना मुझे पता नहीं, मैं wrong analysis कैसे करूँ, पता नहीं. करो, अरे wrong करोगे तो correct सीखोगे ना. अच्छा वे भी आप अंदर से hollow, अंदर से हॉलो है तो मे बी दे आर समथिंग मिसिंग इन इन देयर कंपनी. हां ड्राइविंग करते समय जब तक आप किसी को उड़ाते नहीं ना तब तक ड्राइविंग नहीं आता है. ओके गुड. इनका जो शेप है सर वो एक लोटस फ्लावर की तरह भी है. हां वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन, गुड एनालिसिस. तो अपने फ्लावर है तो हो सकता है अपने काम को वो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से करें. वेरी ट्रू, गुड एनालिसिस उमेश, ब्रेवो. उसमें आपको लोटस का खासियत बताता हूँ.
लोटस के जितने भी लोगों ने लोटस यूज किया आज तक, एवरीवन इज गुड विद द प्रेजेंटेशन, और बहुत आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं, इधर का उधर कानों का खबर नहीं होता, बिकॉज लोटस हमेशा गंदगी में कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो किसी को नीचे का कीचड़ नहीं दिखता है। देखो बीजेपी का भी जो लोग है वो लोटस का है, पीछे कितना भी गड़बड़ रहे जब वो सामने आते हैं तो सब लोग एक दूसरे को मिलजुल के दिखाते हैं, पीछे में इतना ज्यादा पॉलिटिक्स है कि यू कांट इमेजिन, और कोई भी वो चीज करते, कोई भी गड़बड़ वाला चीज करेंगे, दे विल बी ऑलवेज गुड विद द प्रेजेंटेशन। देखो बोलते 100 करोड़ देंगे, 125 करोड़ देंगे, वो कभी किसी को मिलता नहीं है, पर जब वो सामने बात करेंगे तो आपको ऐसा हमेशा लगेगा कि मिल गया आपको, यू नो। तो लोटस वाले लोग ऑलवेज आर गुड विद द प्रेजेंटेशन, कोई भी कैसी भी चीज रहे दे कैन प्रेजेंट इट वेरी वेल। गुड ऑब्जर्वेशन, व्हाट एल्स? अभी देखो मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको, पहला ये पिचका वाला जो है ना वो माइंड लेवल में पिचका है ना, माइंड लेवल पे वो पिचक जाता है, तो ये थॉट को लेके, अपनी सोच को लेके, अपने विचारों को लेके, अपने ज्ञान को लेके अनकंफर्टेबल है, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनको एक भरोसा चाहिए कि मेरे को सब कुछ पता है, अभी नाउ दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट। ये इसलिए हमेशा कई सारे कोर्सेस को करती जाती है फिर भी अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है ज्ञान को लेके, इसको हमेशा ऐसा लगेगा कि इनफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, है ना? Am I right or wrong, वंदना? या पार्शली सर। या she will learn lot of things because she's uncomfortable in this area. ऐसे नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं, but she will feel uncomfortable all the time. वो एक हो गया। फिर इनका जो है इसमें इनके इसमें क्या हो रहा है? देखो इनका जो कोई भी मार्केटिंग है वो क्लिक नहीं हो पा रहा है। जो क्लाइंट मिल रहा है उनसे वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, द क्लाइंट इज पेइंग देम गुड अमाउंट, द क्लाइंट इज वर्किंग गुड विद देम, बट ओवरऑल क्लाइंट्स कम मिलेंगे और इनका मार्केटिंग हमेशा अनसक्सेसफुल जाएगा। एम आई राइट रॉन्ग? मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उनका, बट एक जो भी क्लाइंट आएगा ही विल पे गुड अमाउंट टू देम, दैट इज गुड, वो अच्छा है इसमें। और मतलब बाकी लोगों ने बाकी सब चीजें कवर की है, अच्छा इनका नॉलेज अच्छा है, and they get a very unique solution to the client. वो एक अच्छा, good knowledge and good solution implementation. Sir, do you think that यहाँ पे बहुत ज़्यादा energy depletion भी हो रहा है? बहुत ज़्यादा, इसके लिए तो बोला ना आपको, मतलब जितना पैसा डालोगे उतना वापस नहीं मिलेगा, एक ही इंसान 100 लोग नहीं, only not in terms of money but efforts also. Everywhere depletion बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा problem कहाँ हो रहा है पता है आपको? कि खाली मतलब आपको पैसा मिल रहा है लेकिन, या फिर जो भी चीज है वो मिल रही है लेकिन, आप देखो आपको जो इंसान मिल रहा है वो अच्छा पे कर रहा है लेकिन मिल कम रहे हैं ना, फिर right. लोग मिल कम रहे हैं, वो इशू है। इनका जो सर कार्ड है वो उसका जो मटेरियल है मेरे ख्याल से वो भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये कोई भी क्लाइंट नहीं उठाते होंगे, जैसे आपने कहा था ये कार्ट्रिज है शायद। नहीं नहीं, दिस इज वो शाइनी जो कार्ड चलते है ना, ग्लिटरी कार्ड्स जो आते हैं विद अ ग्लिटरी बैकग्राउंड, so okay. It's that way. Okay. Or, sir, anyways, fortunately, I have been thrown out of this company, so it's okay. Congratulations. वो मालवका है ना, मालवका। इनको उनके loans बहुत चल रहे हैं और उनका अभी क्या बोलते हैं? उनकी financial situation is not that great. I don't know, but we had established this company just 6 or 5 months back. और एक महीने पहले उसने मुझे धक्का मार दिया company से, so I'm fortunate about congratulations. That. That is why you joined our Thank class. Thank you, sir. You got to yes, know sir. This company. That's why you joined. So I came to know that somewhere I'm really being drained out, और मेरे को energy depletion बहुत ज़्यादा feel हो रही थी, mental stress बहुत ज़्यादा लग रहा था. So one of my senior graphologist told me when he saw this logo कि you are really getting drained out. Who is that? Who? मुझे बस उन्होंने इतना ही बोला and unfortunately. Who is the person? Zubin. नहीं नहीं sir. One is Bhupesh sir. Bhupesh ढूँढ ले. And then I consulted with Vinod sir in Delhi itself. These are all my mentors. And Rajesh Johri sir also. So there are a lot of people. So that is what. So when he told me drained, so I just prayed to the universe ki yaar, I will not take the initiative because I cannot say. So let me be out. So last month usne mujhe khud hi dhakka maar diya. So I was so happy for that. So abhi aap partnership mein nahi hai, Vandana ji? Nahin, not at all.
वैसे सर मुझे एक चीज और भी नजर आई, इसमें ये जो सिंबल है ये एक सिंगल पर्सन का सिंबल है, इसमें पार्टनरशिप मतलब जो भी काम करेगा वो एक ही आदमी करेगा, डिसीजन उसी का होगा, जो भी सीनियर में भी हो या जो काम, तो मे भी हम इस सिंबल में पार्टनरशिप नहीं चल सकती ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली इनको निकाला तो दूसरे किसी को लिया लेगा पार्टनर, नहीं नहीं नोबडी बिकॉज हमने डिसॉल्व नहीं करी कंपनी, बट आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंट मैं थोड़ा अपना नॉलेज को ज्यादा इंडिपेंडेंटली यूज कर सकती हूं, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, आई डोंट नो, सो ग्रेट। वैसे कंपनी में सिंगल पर्सन रहा तो चलता है, मतलब ऐसे लोगों में इट्स नॉट कंपलसरी कि यू शुड हैव मोर नंबर ऑफ पीपल, ऐसा दैट इज दैट कैन नॉट बी द इन्फरेंस कि एक ही इंसान दिख रहा है मतलब अकेला इंसान करेगा, है ना। वैसे कई सारे लोग हैं, ये बात बोली ना कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है एंड नीचे से वो जो लोटस का अंदर से खिचड़ी चलती है whatever, so that is what exactly was happening, the presentation was seeming to be good but wo andar se conflicts itne because I cannot be very professional with things, so that is what the conflict was going about, so and since more of a helping nature I move ahead, so ye problem thi is logo mein basically. Great, very nice, theek hai, so let's conclude, it's 6 o'clock already, no, and I would request all of you to learn graphology so that next time whenever we have the class, it will be like power packed. We will discuss the fonts, how the fonts has a power effect and everything. Okay, बहुत सारे लोग में लोगों के नीचे font आएगा और font का बहुत ज़्यादा meaning है, है ना मैं, तो वो it puts a lot of restriction on me to not to disclose or not to discuss because that creates another topic, new topic. Sir, अभी font हम लोगों ने किया cover नहीं किया है ना sir? ने फॉन्ट इसमें नहीं कवर किया है किसमें लोगों में, बट इफ यू हैव द पीपल हु हैव लर्न्ड द ग्राफोलॉजी एंड द लोगनेस बोथ वी विल कवर द ग्राफोलॉजिकल फॉन्ट्स इन द एनालिसिस, है ना। ग्राफोलॉजी मतलब क्या होता है, वो पैकेज हो जाता है कंप्लीट विद द फॉन्ट एंड एज वेल एज विद द शेप्स, ओके। So let's conclude with the positives which you got from this class today. Sir, today after hearing all the reviews from my members, I was very happy for my logo. Although you have not told me anything, they have made me feel happy. Awesome, that's great. Nahi, itna hi. Iske liye party chahiye, Anjana ji. हाँ हाँ, उसके लिए मिलना पड़ेगा. हाँ. पक्का पक्का. वैसे तो मिलते रहेंगे, जब सुनील जाएंगे तो भी मिलेंगे. अंजलि का भी लोगो मैंने बनाया और अंजलि ने पार्टी दी मुझको। सुधीर जी दे दूंगी पार्टी, नहीं रखूंगी मैं। अरे मैं बोला पार्टी दे दी और मैं काम कंप्लेंट का कर रहा हूँ मैम। नहीं मैं और एक पार्टी देती हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू या सम्राट जी, आपका क्या क्या था ख्याल था आज की क्लास के बारे में? यस डेफिनेटली अलग अलग मतलब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है तो इमीडिएटली आपको समझ में आता है कि आप राइट ट्रैक पे सोच रहे हो या रॉन्ग ट्रैक पे सोच रहे हो। करेक्ट, वो ज्यादा बेटर मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। और आपका लोगों का एनालिसिस हुआ, बाकी लोगों ने किया, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा, प्रोग्रेस करने के लिए अच्छा है। हाँ, चेंज कर सकते हैं, राइट विनीत का चेंज कर दिया मैंने। अच्छा। विनीत ने बताया रहेगा ऑलरेडी आपको। या यस यस। विनीत अग्रवाल नाम के एक हमारे दोस्त है जो कि एक मगनलाल चिक्की के पार्टनर थे once upon a time। आपको मगनलाल चिक्की पता है? आपको लोनावला वाला, राइट। तो हाँ, तो उनका एक दूसरा बिजनेस है इसका, लैंड का वैल्यूएशन करते हैं, फ्लैट का वैल्यूएशन करते हैं उसका। तो उसका सम्राट जी को उन्होंने रेफर किया था मेरी तरफ, तो उनका लोगो हमने हाल फिलहाल में डिजाइन किया नया। Let's see, अभी fingers crossed, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, देखते हैं। Yes. या उमेश जी, आपको कैसा लगा आज का? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी ये फर्स्ट, मैंने कहा ना ऑनलाइन मैं बैठा हूँ, मैं आज से पहले मैंने कभी भी जूम पे मैं आया ही नहीं, मैंने डाउनलोड भी किया है 3-4 दिन पहले, तो मुझे अच्छा लगा और ओवरऑल सब्जेक्ट को लेकर भी मैं थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया बात करने का भी और चीजों को और भी मैंने दूसरे एक नजरिए से देख पाया, तो मैं मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, आप थोड़ा सा ग्राफो कर लोगे ना तो आपका ऑलरेडी ना सेंस काफी अच्छा है आपको देखने का, नहीं क्या मतलब कि ऑलरेडी नेचुरली वो आपने किया है ना, ये वास्तु किया है, न्यूमरो किया है, अस्ट्रो किया, तो वो सेंस ऑलरेडी आप में है, है ना। तो अगर आप ये ग्राफोलॉजी भी कर लो तो आपका एनालिसिस और ज्यादा क्या होते
पेनिला हो जाएगा मतलब और शार्प हो जाएगा और शार्प मैं शार्प शार्प मैं समझूंगा हाँ अच्छा अभी ग्राफोलॉजी एक डिफरेंट है सब्जेक्ट और आपने इसके जो चार लेवल कहे लोगो एनालिसिस के वो डिफरेंट है नहीं ऐसा मैं नहीं कहूंगा मैं बल्कि ये मैं कहूंगा कि लेवल वन ग्राफोलॉजी है लेवल टू लोगो है और लेवल थ्री में है वो प्लेस साइज शेप जो प्लेसमेंट होता है जो फॉन्ट यूज होता है वो सब और लेवल फोर तो सिर्फ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है बाकी कुछ नहीं वहाँ पे सिर्फ आप केस लेके आओ या मैंने जो ऑलरेडी केस बनाया उसका केस स्टडीज है कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया इसका कैसे किया इसका कैसे किया तो आपके पास पूरा पिक्चर रेडी है कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो क्या सोल्यूशन आपने रिकमेंड करना चाहिए लेवल फोर इज ऑल अबाउट दैट और फिर सोल्यूशन आपके पास रेडी है तो अगर क्लाइंट आता है तो देखो हर कोई भी पैसे देने के लिए रेडी नहीं होता लेट मी मेक इट वेरी क्लियर तो आपको एक एक सही तरीके से बात करना पड़ता है ताकि वो इंसान आपको काम दे वो हम लोग उसमें सिखाते हैं कि आपने पहला बात कौन सी करनी है दूसरी कौन सी करनी है तीसरी कौन सी करनी है चौथी कौन सी करनी है तो उस तरीके से फिर वो क्लाइंट इजिली पैसे देता है ये लॉकडाउन में मैंने अब तक 5 लोगो डिजाइन का काम उठाया है और उसमें से जो 4 लोगो है हमने 50,000 में क्लोज किया लॉकडाउन के दौरान बोल रहा हूँ So this is happening because of the way we speak with the client. तो ये level 4 में आएगा है ना जो भी अभी मैं एक webinar भी conduct कर रहा हूँ ना how to become a highly paid graphologist without being an expert. तो उसमें भी मैं ये सब चीजें list down करने वाला हूँ कि ये सब चीजें हम लोग सिखाने वाले आपका सबके पास knowledge काफी अच्छा है आपका सबका एक ही issue है You are not a good salesman. You are not a good businessman. You are not a good entrepreneur. Correct. Right. Yes. So, वो problem solve करना है आपने को. Knowledge तो सबके पास. अगर आपने किसी एक field में 5 साल से अधिक समय बिता दिया, इसका मतलब आपका knowledge भरमसाट है, भरपूर है, बहुत है. अब आपको सीखना है इसको बेचना कैसे, इसको market कैसे करना है. वो हम लोग सिखाने की इच्छा रखते मतलब सम्राट जी को पता है मैं क्या बात बोलो ही इज टेक्निकली गुड बट ही डजंट नो हाउ टू कन्वर्ट द क्लाइंट भावुक है भावुक भावुक है तो भाव में आ जाते हैं yes. बहुत जल्दी प्रेम में पड़ते हैं करेक्ट करेक्ट तो प्रेम के कारण लास्ट का पैसा नहीं मांग पाते बोलते छोड़ दे फिर हाँ, अगले में कमा लेंगे अगले में कमा लेंगे रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं हम लोग आगे में कमा लेंगे तो ये सब हम लोगों ने सीखना चाहिए कि फिर कैसे पैसे मांगने चाहिए कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए कैसे कन्वर्ट करना चाहिए तो वो सब चीजें मैं स्टडी कर रहा हूँ मैं मेरे को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं सब नोट डाउन कर रहा हूँ और यही चीजें मुझको आपको बाकी लोगों को भी सिखानी है ना आज आज हमको सवेरे क्लाइंट का पैसा आया लोगो डिजाइनिंग के लिए तो ट्राइंग टू से कि ये ऐसा कुछ नहीं होता कि अपना ये क्या बोलते हैं उसको लॉकडाउन है ऐसा है वैसा है कुछ नहीं होता ऐसा इफ यू नो हाउ टू डू बिजनेस पीपल पे एंड गणेश नोज यू नो गणेश एंड मी आर इनटू अ सिमिलर काइंड ऑफ लर्निंग सो ही नोज द वे थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ एंड द वे थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर इट्स लाइक एवरी सिंगल वीक वी आर गोइंग टू डू आफ्टर 6 months एवरी सिंगल वीक वी आर गोइंग टू गो 5 lakh rupees ऑफ क्लोजिंग मिनिमम 5 lakh के आसपास का क्लोजिंग होगा एवरी सिंगल वीक That is the plan which we are doing today. मतलब 6 महीने के बाद हम लोग क्या कमाने वाले हैं उसकी नींव आज रख रहे हैं हम लोग या गणेश यू कैन ऐड एंड दैट मच ऑफ मनी इज देयर इन दिस बिजनेस व्हिच बिजनेस कंसल्टेंसी बिजनेस कोचिंग बिजनेस जो आप ऑलरेडी कर रहे हो यस सर गणेश सर गो अहेड या इन फैक्ट इवन मॉर्निंग आई हैड अ कंसल्टेशन एज टू हाउ वी काइंड ऑफ मार्केट ब्रांड And go forward, because if we don't have clarity as to what kind of clients we have, like he also talked about avatar. If we don't know the customer avatar, then we'll be wasting money and energy on grabbing people who may not be our true customers. So when we have clarity, then the input is also quite right. And the output we get
is also phenomenal. Money is enormous. And people understand the sciences. So they have belief in the sciences. So it's much easier to market if you are able to get to the right customer and present it properly. Yeah, so total na, how many trillion dollars ka economy this education industry in India? 300? Something like that. Itna bada economy hai, socho. If you are not doing a right kind of marketing, you are losing out the money. बहुत पैसा, आप सबके पास नॉलेज काफी अच्छा है. अंजना ने बहुत सारे कोर्सेज किए, अंजलि ने किए, सम्राट को उसके नॉलेज बहुत है, उमेश ने बहुत सारे कोर्सेज किए. तो अभी अपने को सीखना चाहिए कि कैसे इसको मार्केटिंग करना, कैसे इसका ब्रांडिंग करना, ताकि अच्छे लोग आए और अपना एनर्जी सेव हो. बेसिकली एनर्जी सेव करना. या वंदना, आपको कैसे लगा आज का? It was an awesome session again. और एक कंपनी से अच्छा आप अपने कांग्रेचुलेशंस कर दिया कि अच्छा हुआ निकल गए या निकाल दिए गए, और दूसरे से आप बचा रहे हो पहले ही कि संभल जाओ. सो बोथ माय सेट्स आर इन टैक्ट. सो थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन. लर्निंग इज ऑलवेज गुड, और एक सारे लोगों के साथ लर्न करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. अगर आपने अगर ये कोर्स करके आते ना, आपको और मजा आता, कनेक्ट हो पाते काफी ज्यादा. तो अभी कंप्लीट करो. मेबी आई विल जस्ट डू इट. या आई विल डू इट. यस, ऑसम ऑसम. अंजलि, आप वंदना जी, वंदना जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा जी. आपने, मैंने दो तीन बार आपने कहा कि उन्होंने मुझे फिर निकाल दिया, भगा दिया. ऐसा कभी सर, I'll tell you why. मुझे ये लगता है कि फिर अगर मैं सामने वाले को अप्रोच करूं तो मेरे में कभी ये गिल्ट ना रहे कि मैंने बोला. सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम द अदर साइड, यू फील फ्री ऑफ दैट इमोशनल क्वोशेंट. कभी भी आपके परमिशन के बिना आपके साथ कुछ होता नहीं है. हाँ, मैंने वही सर को बोला ना, एफर्ट्स इतने लग रहे थे. कॉन्शियस यही चाहता था कि कभी ये मुझे बिल्कुल तो मैं जाऊं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि मेरे एफर्ट्स इतने लग रहे थे. आई वांटेड कि इट्स इनफ. सो दैट वाज इट. आप ये कहो, मैंने अपनी मर्जी से मैंने ये किया, मैंने उसको निकाल दिया. लाइक क्या, वो मुझे निकालने की. थैंक यू मेजी, थैंक यू सो मच. आज से मैं यही यूज करूंगी. मैंने उसको सकते हैं, मैंने छोड़ दिया. मैंने गोल्डन रेशियो फॉर द प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट. कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसका प्रॉफिट होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे. काफी लोगों को गोल्डन रेशियो पता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना वो नहीं पता है. ताकि आपको फायदा हो, मैं आपको वो नॉलेज दे दूंगा, वो ज्ञान दे दूंगा. हमने काफी मिरेकल्स अचीव किए, उसको सही तरीके से यूज करें. तो सुधीर जी, ये आपका जो ये लेवल 3 और लेवल 4 रहेगा, वो कितना दिन का रहेगा? पहले आप ये कंप्लीट कर लो. आई एम जस्ट यू नो राइटिंग इट डाउन, एवरीथिंग आई एम राइटिंग डाउन. तो लोग बना रहे हैं इसको. इसमें हमने आधा एक लोगो डिजाइनिंग का कोर्स लॉन्च करने की कोशिश की थी. Then we realize ki market is not ready. Market ko pata bhi nahi ye cheez kya hai. It's better to teach to the people who have already learned it. Humne criteria ye rakha, jiska graphology hua hai, jiska logo analysis hua hai, jiska drawing hua hai, jiska research hua hai, unhi logo ko hum log aage leke jayenge, taki unka sab base cleared hai na, sab kuch hai unke paas. To aage ka sikhane ke liye easy hai. Okay. Duration, money, nothing is decided yet, but we will roll it out. Okay. Okay. Yes. और किसका? आप अंजलि, आपको आपने बोला नहीं कुछ? हाँ, मुझे आज का ये अच्छा लगा कि टाइप्स ऑफ कार्ड्स नॉन टियरेबल, उसके बारे में मुझे जानने के लिए मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके लिए मैं वेट कर रही थी. और फिर से लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन हुआ, लाइक और ग्राफो कैसे सिंक होता है वो भी आइडिया था, पर वो क्लियर हो गया. तो इट वॉज वेरी नाइस. तो अच्छा लगा. नेक्स्ट सेशन कब प्लान करेंगे आपके नंबर्स और कलर्स को लेके? आप बताइए. हाँ, पक्का पक्का, क्यों नहीं. नॉलेज शेयरिंग है, आई एम अ गिवर. तो मैं नेक्स्ट वीक करते हैं. नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस. ओके, फाइन फाइन. सो नेक्स्ट वीक मतलब अंजलि विल बी द होस्ट फॉर नेक्स्ट वीक. ओके,
Thank you, Anjali. Thank you so much. Thank you, Sudhir. Looking forward. Yeah. Yes. Dimple, what about you? So, session was amazing. So, you will get only money, okay? You will not get analysis. Yeah, Kunal, anything from your side? Hello, sir. हाँ बोलो ना एक्सपीरियंस साथ सा हाँ बोलो बोलो हेलो कुणाल हाँ सर बोलो हाँ एक्सपीरियंस बोलो ना आज का कैसा क्या नया सीखा कुछ अच्छा लगा हाँ ते विषय जो सांगितलं तुम्ही ते भारी वाटलं सिंगल पॉइंट सिंगल पर्सन इंडिकेटर ग्रेट चलो फिर विल मीट नेक्स्ट टाइम टू अंडरस्टैंड द कलर्स एंड नंबर्स है ना कंडक्टेड बाय अंजलि और उसमें हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि कैसे कैसे सिंक होता है क्या प्रॉब्लम जाते हैं रेड वालों को क्या प्रॉब्लम होते हैं ब्लू को क्या प्रॉब्लम होते हैं क्या अच्छा रहता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट ओके सी यू सून थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर थैंक यू ऑल थैंक यू